हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे, चैप्टर नंबर अपना 6 चल रहा था किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में, यूनिट नंबर 3 है अपनी, चिरसम्मत भौतिक क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे अपन। तो यहाँ पे देखो आज अपन बात करेंगे अपना टॉपिक के ये अधूरा रह गया था किसका, हमारा जो टॉपिक था ये द्विपरमाणु कणों में ऊष्मधारिता है, ये हमारा अधूरा रह गया था। तो अब देखो इसमें अपन आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे आपने पिछले क्लास में देखा था कि द्विपरमाणु कणों के लिए अपन ने क्लासिकल जो अपनी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, क्लासिकल जो अवधारणा थी उसको अपन ने पढ़ा, और वहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास जो सी वी का मान आया, हमारे पास जो ऊष्मधारिता की वैल्यू आई थी वो आई थी 7/2 R आई थी। और हमने क्या कहा था कि उच्च ताप पर हमारे पास जो ऊष्मधारिता है वो कांस्टेंट हमें वैल्यू मिलती है। तुमने क्या कहा इससे, हमने इससे ये रिजल्ट निकाला था कि हमारे पास जो क्लासिकल जो अवधारणाएं हैं, ये क्वांटम जो अवधारणा है अपनी, क्वांटम जो ऊष्मधारिता है उसके जो वक्र है उसको सेटिस्फाइड नहीं करती है, यानी कि ये अपनी जो क्लासिकल जो अवधारणा थी, क्लासिकल जो रिजल्ट है, ये हमारा क्वांटम भौतिकी के रिजल्ट को या क्वांटम भौतिकी के प्रायोगिक वक्र को सेटिस्फाई नहीं करता है, परिभाषित नहीं करता है। तो ये एक तरीके से असफलता मान सकते हैं अपन चिरसम्मत भौतिकी की। लेकिन आज अपन बात करेंगे द्विपरमाणु अणु में ऊष्मधारिता क्वांटम भौतिकी के द्वारा, ठीक है। तो पिछली क्लास में देखो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि द्विपरमाणु अणु में ऊष्मधारिता को समझाइए चिरसम्मत भौतिकी के द्वारा, तो आप वहीं तक समझा सकते हो, यानी कि सी बराबर 7/2 R अपन ने निकाला था तो वहाँ तक आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि द्विपरमाणु अणु में ऊष्मधारिता क्वांटम भौतिकी के द्वारा, तो क्वांटम भौतिकी के द्वारा अपन को पूरा समझाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन को पूरी व्याख्या करनी पड़ेगी, बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन है लेकिन बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, मज़ा आएगा कैलकुलेशन को करने में। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना ध्यान है उसको यहाँ पे लगाइए, क्योंकि यहाँ पे ये जो टॉपिक है क्वांटम भौतिकी के द्वारा अपन जो व्याख्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसे अलग से टॉपिक डाल देता हूँ, ऊष्मधारिता द्विपरमाणु अणु में ऊष्मधारिता किसमें, क्वांटम भौतिकी के द्वारा व्याख्या। क्वांटम भौतिकी के द्वारा व्याख्या, तो पिछली क्लास में हमने क्लासिकल कर लिया था, आज इस क्लास में अपन क्वांटम भौतिकी के द्वारा इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे शानदार तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार इसकी कैलकुलेशन होने वाली है, मतलब इतनी शानदार कैलकुलेशन है कि ये मान लो अपन को लगेगा कम से भी कम 1 घंटा लगने वाला है इसमें, इतनी अच्छी कैलकुलेशन है मान लो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन और इसको समझना स्टार्ट करते हैं बस अब। तो सबसे पहले जो बात आती है अपनी क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, एकदम ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बात ये आती है कि अपने पास जो द्विपरमाणु अणु है, ठीक है, इसको क्वांटम भौतिकी ने ऐसा क्या इसमें परिभाषित कर दिया कि हमारे पास चिरसम्मत भौतिकी नहीं कर पाई। तो आपको पता है कि चिरसम्मत भौतिकी और क्वांटम भौतिकी में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है कि जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है वो क्या है कि हमारे पास केवल बड़े निकाय, स्थूल निकाय, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक लार्ज सिस्टम के लिए बात करते हैं वहाँ पे वो डिफाइंड होती है। लेकिन क्वांटम भौतिकी होती है ये किसी भी एटम के लिए, किसी भी परमाणु के लिए बिल्कुल सूक्ष्म लेवल के, अर्थात बिल्कुल सूक्ष्म अवस्था के लिए बात करते हैं वहाँ पे ये परिभाषित होती है, यानी कि क्वांटम भौतिकी के द्वारा हम द्विपरमाणु अणु की जो ऊष्मधारिता है उसको बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल नीचे जितना हो सकता है उतना सूक्ष्म लेवल से उसका अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वांटम भौतिकी का जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास डिफरेंट आता है, ठीक है। और मेन बात क्या है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो क्वांटम भौतिकी है इसके द्वारा हमारे पास द्विपरमाणु अणु के लिए निम्न ताप पर भी हम यहाँ पे ऊष्मधारिता को परिभाषित करते हैं, जबकि वहाँ पे
क्लासिकल भौतिकी में हमारे पास से केवल उच्च ताप पर ही ऊष्मधारिता को परिभाषित किया गया था और उच्च ताप पर वहाँ पे कांस्टेंट हमें वैल्यू मिली थी। तो देखो क्वांटम भौतिकी के द्वारा हम इसकी व्याख्या करते हैं, तो आइए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। बस यहाँ पे इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं और इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है भी नहीं। अब यहाँ पे सीधा अपन मैथमेटिकल इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्वांटम भौतिकी की तरफ व्याख्या करेंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, बाकी क्या दिक्कत आती है बस इसमें। तो यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे जो क्वांटम भौतिकी है और क्लासिकल भौतिकी है इसमें ये लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास क्वांटम भौतिकी के द्वारा निम्न ताप पर, निम्न ताप पर व्याख्या की, जबकि चित्रमय भौतिकी ने वो नहीं करी थी, ठीक है। इतना सब लिख सकते हो, बाकी इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है नहीं बिल्कुल भी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इसके सीधे मैथमेटिकल प्रूफ पर चलते हैं, गणितीय सत्यापन पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन हेडिंग डाल लेते हैं गणितीय सत्यापन। बिल्कुल शानदार तरीके से समझना, और जिसका भी इंटरेस्टेड यहाँ पे इंटरेस्ट है, जो भी जिसका भी इंटरेस्ट है किसमें डेरिवेशंस में, उसको खतरनाक मज़ा आने वाला है। और जो इसको नहीं सीखना चाहता या जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसको भी मज़ा आएगा देखना। आप इतनी शानदार तरीके से आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा, इसकी गारंटी है अपने पास, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे अब केंद्रित कर लो, क्योंकि एक भी चीज़ अगर आपने मिस कर दी तो ये मान लो आप यहाँ पे इसको सीखने में असमर्थ रहोगे। अब देखो द्विपरमाणु अणु को सबसे पहले क्वांटम भौतिकी ने या क्वांटम फिजिक्स है उसमें कैसे परिभाषित किया गया, और हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट कैसे करें। सबसे बड़ी बात आती है कि जब भी अपन किसी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग होती है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, कि आखिरकार क्वांटम भौतिकी है इसने इसको प्रूव करने के लिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लिया। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लिया गया कि हमारे पास जो क्वांटम भौतिकी है उसके अनुसार किसी भी सिस्टम, किसी भी निकाय के लिए हमारे पास जो ऊर्जा का वैल्यू होती है, ऊर्जा का जो मान होता है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं अपन क्वांटम भौतिकी में, क्वांटम भौतिकी में निकाय की ऊर्जा, निकाय की ऊर्जा। अब देखो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं इसकी मैथमेटिकल प्रूफ को। तो क्वांटम भौतिकी में या क्वांटम फिजिक्स में अपन बात करते हैं किसी भी सिस्टम की एनर्जी की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कि किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, क्या होता है देखो हमारे पास जो एनर्जी होती है हमारे पास वो क्या होती है, ई एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 h ν होती है। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये प्लैंक भाई साहब ने आपको पता दिया था, ई बराबर एच न्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन एन वी स्टेट के लिए, एन वी अवस्था के लिए बात कर रहे हैं, तो ई एन बराबर हमारे पास एन प्लस 1/2 h ν आ गया। और आपने यहाँ पे थोड़ा सा गौर किया हो तो आपने यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो क्वांटम भौतिकी है उसमें हमारी जो एनर्जी है, हमारे जो एटम की एनर्जी है वो हमारे पास आवर्ती के समानुपाती होती है, ठीक है। और आपने वहाँ पे क्लासिकल भौतिकी में पढ़ा था कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है, जबकि क्वांटम भौतिकी में एनर्जी होती है वो हमारे पास आवर्ती के समानुपाती होती है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन माइनर चेंज करेंगे इसमें, देखो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे 2π से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और 2π से नीचे कर देते हैं, ठीक है भाई साहब। अब क्या करा अपन ने, यहाँ पर अपन ने ये करा कि ई एन बराबर हमारे पास क्या आ गया, देखो ध्यान से देखना, देखो एच अपॉन में 2π, आपने पढ़ा है कि डिराक कॉन्स्टेंट एच बार इज इक्वल टू एच अपॉन 2π होता है, ठीक है भाई साहब मान लिया। और हमारे पास देखो ओमेगा नोट बराबर 2π ν, ठीक है। हमारे पास जो आवर्ती की वैल्यू होती है ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है, आपको पता है कि हमारे पास क्या होती है
पाई न्यू होती है। लेकिन ये ओमेगा नॉट आखिरकार यहाँ पे है क्या? ये ओमेगा नॉट है हमारे पास यहाँ पे मूल आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो आपको पता है कि ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है? 2 पाई न्यू होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी इसको, और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एच अपॉन 2 पाई क्या हो जाएगा? देखो एन प्लस में 1/2, एच अपॉन में 2 पाई हमारे पास एच बार हो गया, और यहाँ पे 2 पाई न्यू हमारे पास हो गया ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे हमने इसको परिभाषित कर दिया, और यहाँ से अपन स्टार्टिंग करेंगे इस डेरिवेशन की। मतलब एक एक चीज़ को समझते हुए चलोगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी इस डेरिवेशन में, अन्यथा इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मान लो आप, इतना अच्छा डेरिवेशन है, ये शानदार है, अल्टीमेट है, ये मान लो आप। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं अपन यहाँ पे क्या करते हैं अपन थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन करते हैं और आगे। देखो देखने की बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास देखो ई एन बराबर क्या है, हमारे पास एन प्लस 1/2 एच बार ओमेगा नॉट। एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो ई एन, यहाँ पे देखो अपने पदांक में एन आ रहा है, अर्थात अपन बात कर रहे हैं हमारे पास जो एनर्जी का जो लेवल है, एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास किसके लिए है? ये एनवी अवस्था के लिए है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, हमारे पास एन है, ये जो एन आ रहा है हमारे पास एनवी क्वांटम अवस्था के लिए एनर्जी का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे अपन एन की जो वैल्यू है उसका मान बात करें, उसकी वैल्यू की बात करें, तो 0, 1, 2, 3, यानी कि ये वैल्यू चलती जाएगी, ये वैल्यू अब नहीं रुकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखो यहाँ पे एन की जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3 आराम से रख सकते हैं, और वैल्यू को चेक कर सकते हैं ई एन की, और यहाँ पे क्या आएगी या क्या नहीं आएगी 0, 1, 2, 3 के लिए बात करके। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एन बराबर अपन 0 रख देते हैं तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है? वो कहलाएगी अपनी ई एन बराबर क्या आएगा फिर हमारे पास, यानी कि हमारे पास 0 रख देंगे यहाँ पे, जैसे रख दो यहाँ पे, जैसे मान लो हमने एन बराबर 0 रखा, डेरिवेशन चल रहा है इसका ध्यान रखना, हम यहाँ पे जो भी छोटे छोटे यहाँ पे माइनर चेंज करेंगे ना वो हमारा डेरिवेशन है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा, एन की वैल्यू को हमने 0 रख दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ई 0 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया देखो 1/2, ठीक है, और एच बार ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है हमारे पास ई नॉट बराबर 1/2 एच बार ओमेगा नॉट, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है मूल अवस्था में ऊर्जा, यानी कि ग्राउंड स्टेट की बात करें, मूल अवस्था की बात करें, उसमें फॉर्मूला अपना ये कहलाता है, मूल अवस्था का फॉर्मूला कहलाता है ये। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि अपन यहाँ पे प्रथम स्टेट के लिए बात करें, यदि एन बराबर 1 रख दे, यदि यहाँ पे देखो इसके आगे देख लेते हैं अपन, यहीं पे ये डेरिवेशन के अंदर है इसका याद रखना। यहाँ पे देखो इसके आगे बात करते हैं, यदि हम यहाँ पे एन बराबर 1 पुट करते हैं तो आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित, ये कैसे लिखते हैं, उत्तेजित, यहाँ पे क्या आएगा भाई, उत्तेजित अवस्था, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था। ठीक है, अवस्था में ऊर्जा की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, एन बराबर 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ई 1 इज इक्वल टू 1 + 1/2 क्या आ जाएगा, 3/2 एच बार ओमेगा नॉट आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि यदि अपन यहाँ पे एन का जो मान है हमारे पास 0, 1, 2, 3 रखते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आराम से आती जाती है, और यहाँ पे अपन देख सकते हैं अगर आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाए कि द्विपरमाणु अणु के लिए मूल अवस्था में ऊर्जा, प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा की वैल्यू अगर आपसे पूछ ले तो यहाँ पे एक नंबर में आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या देना है, यहाँ पे आपको आंसर देना है कि एन बराबर 0 पुट कर दो और एन बराबर 1 पुट कर दो। तो यहाँ तक अभी तक ये छोटी सी जो कैलकुलेशन है इस डेरिवेशन में आपको समझ में आ जानी चाहिए, यानी कि इसका जो रिजल्ट है
आपको याद क्या करना है, यहाँ पे ई एन का फॉर्मूला याद करना है, एन प्लस एक बटे दो एच बार ओमेगा नॉट याद करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसमें अपन आगे कुछ और भी यहाँ पे बात करने वाले हैं, कुछ नए कोफिशेंट या नए गुणांकों का यहाँ पे अपन यूज लेने वाले हैं, एक नया फॉर्मूला अपन यूज लेंगे। तो देखना कौन सा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, आपको उसको याद जरूर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब देखो बात करते हैं, यहाँ पे अपन लिखेंगे वी नो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट, हम जानते हैं, लेकिन हालांकि उसको अपन जानते नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन उसको पढ़ेंगे हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है। अब देखो यार, मैं बात करता हूँ, हमने यहाँ पे यूनिट है जो पीछे से स्टार्ट क्यों करी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पीछे जो यूनिट है, एक तो हमारे पास जो तीसरी यूनिट है, चौथी यूनिट है, छोटी भी है, और यहाँ पे देखो आठ आठ नंबर कवर करती है। तो यहाँ पे अपन को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यहाँ पे अपन ने दो यूनिट कर ली है, यानी कि आधा सिलेबस अपन ने कवर कर लिया है। बाद में वो भी, हालांकि जो पहली यूनिट है वो थोड़ी बड़ी है, ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी है वो काफ़ी छोटी है, लेकिन अपन ने जो पीछे का जो पार्ट वो इसलिए करा है क्योंकि ये हमारे पास स्टैटिक्स का पार्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको आप अलग कर सकते हो, और जो अपना सेकंड और फर्स्ट यूनिट है वो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट है। ठीक है, तो उससे इससे अपना संबंध तो कम पड़ता है, लेकिन अपन कुछ फॉर्मूले हैं वो अपन यहाँ पे यूज लेते हैं, किसमें, स्टैटिक्स में, जो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के जो फॉर्मूले हैं उनको अपन यहाँ पे उपयोग में ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपन एक फॉर्मूले का उपयोग करने वाले हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, हालांकि अभी हम जानते नहीं हैं, लेकिन अपन सीख जाएंगे जब अपन फर्स्ट यूनिट पढ़ लेंगे। हम जानते हैं कि सम वितरण फलन की परिभाषा से, सम वितरण फलन की परिभाषा से, हम जानते हैं कि सम वितरण फलन की परिभाषा से। अब सम वितरण फलन है ये क्या होता है, इक्वल पार्टीशन फंक्शन, सम वितरण फलन क्या होता है। अब देखो इसकी डेफिनेशन अपन पढ़ लेंगे फर्स्ट यूनिट में, लेकिन यहाँ पे अपन को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वो क्या होता है। देखो जेड बराबर में समीशन एन बराबर जीरो से लेकर इनफाइनाइट, अंदर वैल्यू होती है ई की पावर में माइनस का बीटा ई की पावर में एन, मतलब ई एन, ई की पावर नहीं ई एन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो समीशन एन बराबर जीरो टू इनफाइनाइट एक्सपोनशियल फंक्शन, और यहाँ पे अंदर में माइनस का बीटा और ई एन, इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। तो यानी कि कुल मिला के जो बात ये है कि यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला आता है सम वितरण फलन का, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद करना पड़ेगा। जेड बराबर हमारे पास होता है समीशन ई की पावर माइनस का बीटा ई एन, इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो एक ये जो कैलकुलेशन है उसको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलो, क्योंकि अपन यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास क्या बात करते हैं, इसका जो डेरिवेशन है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। तो अगर आप एक एक कैलकुलेशन को शुरू से स्टार्टिंग से बिल्कुल धीरे धीरे समझोगे तो शानदार तरीके से समझ में आएगा डेरिवेशन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया कि जेड बराबर हमारे पास सम वितरण फलन का जो फॉर्मूला होता है, देखो इसको अपन अंडरलाइन कर देते हैं, ये हमारे पास सम वितरण और फलन इक्वल पार्टीशन फंक्शन है हमारे पास, इंग्लिश मीडियम की बात करें तो। यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं, अब आगे यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे बात करते हैं ये, अब देखो यहाँ पे हमें हमारे पास देखो किस किस की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, देखो याद करो यार, देखो हमारे पास देखो बीटा की वैल्यू है वो वन अपॉन में के टी होती है, हमारे पास ऊष्मा गति की थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से बीटा बराबर वन अपॉन में के टी होती है। मैंने आपको जब बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में बताया था तो वहाँ भी आपने इसका वैल्यू रखा था, ठीक है, बोस में और फर्मी में दोनों में इसकी वैल्यू रखी थी। और उसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ पे बीटा बराबर वन अपॉन में के टी होता है, और यहाँ पे अपन बात करते हैं ई एन,
एन की जो वैल्यू है अभी मैंने आपको याद करने के लिए कही थी कि एन प्लस में 1/2 एच बार ओमेगा नॉट, ये आप याद कर लीजिए, आपके बहुत ही काम आने वाली, ऐसा मैंने आपसे कहा था। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपने याद भी कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज़ हैं, देखो बीटा बराबर 1/2 kT, 1/2 नहीं 1/2 kT, और ई एन बराबर 1 n+ में 1/2 h बार ओमेगा नॉट है। तो यहाँ पे अपन वैल्यू को पुट कर देते हैं, बताओ। तो यहाँ पे देखो अपने मान रखने पर, वैल्यू को पुट करने पर, मान रखने पर, तो मान रखो भाई, तो हमने क्या करा, देखो जेड बराबर हमारे पास क्या है, देखो समीशन में एन बराबर 0 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है, और ई की पावर में देखो क्या है हमारे पास, ई की पावर में माइनस का आ जाएगा हमारे पास, माइनस का क्या है, देखो बीटा है, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 kT, अरे 1/2 नहीं है 1/2 kT है। तो यहाँ पे देखो ई एन की वैल्यू रख दो, पहले एन प्लस 1/2 और एच बार ओमेगा नॉट है, तो अपॉन में जो के टी है उसको यहाँ पे लिख दो, अपॉन में के टी लिख दो, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे अपन इसको के टी को लिख देते हैं। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ और अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, आपकी समझ में वैसे आएगा और आपको पता भी है, लेकिन अपन इसको उपयोग करेंगे तो शानदार यहाँ पे अल्टीमेट टॉपिक बन जाता है। आपको पता है कि हमारे पास चिरसम्पत्भौतिकी में जो एनर्जी होती है ई बराबर में के टी होती है, अर्थात टेम्परेचर के समानुपाती यहाँ पे अपने पास होती है, यानी कि देखो ई समानुपाती टेम्परेचर के होती है। उसी प्रकार क्वांटम भौतिकी की बात करते हैं तो ई बराबर क्या होता है हमारे पास, एच न्यू होता है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ई हमारे पास समानुपाती होती है टेम्परेचर। अब देखो ध्यान से समझने की यहाँ पे कोशिश करना, इसमें अपन थोड़ा चेंज करते हैं, देखो यहाँ पे ई बराबर हमारे पास देखो एच न्यू 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, अपॉन में 2 पाई आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं ई बराबर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या है, देखो एच बार और ओमेगा नॉट। तो समीकरण आप 1 को देखो और समीकरण यहाँ पे 2 को देखो, इनका जो एलएचएस पार्ट है वो हमारे पास बराबर है, ठीक है, देखो के टी बराबर, ये हमारे पास ई बराबर के टी और ई बराबर एच नॉट ओमेगा, एच बार ओमेगा नॉट। यदि हमारे पास देखो हम बात करते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से, गणितीय अवधारणा से अपन बात करते हैं, यदि हमारे पास कोई भी किसी भी पद का यदि एल एच एस पार्ट या आर एच एस पार्ट बराबर हो तो उनको आपस में बराबर अपन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन समीकरण 1 और 2 से क्या लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 की सहायता से, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि के टी बराबर में एच बार ओमेगा नॉट हमने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास देखो ये एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में बात करते हैं के और बराबर में टी है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये एच बार ओमेगा नॉट हमारे पास जो है इसको हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट डिफाइंड करेंगे, एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में जो के है उसको यहाँ पे अपन एक कॉन्स्टेंट डिफाइंड करेंगे, और यहाँ पे देखो टी बराबर हमारे पास एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में क्या आया है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, देखो हम यहाँ पे जो ये एच बार ओमेगा नॉट अपॉन क्या है इसको अपन एक कॉन्स्टेंट डिफाइंड करेंगे जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, यानी कि देखो ध्यान से देखना, समझने की आप थोड़ी सी यहाँ पे कोशिश करना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है अपने पास एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के, इसको अपन एक कॉन्स्टेंट डिफाइंड कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा कि थीटा वी बराबर हमने मान लिया एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के, लेकिन कईयों के दिमाग में ये सवाल आता है, ठीक है, या आ रहा होगा कि हमारे पास टी बराबर में एच बार ओमेगा नॉट अपॉन के है तो ये टेम्परेचर तो कुछ न कुछ है यहाँ पे, यहाँ पे ये टेम्परेचर की वैल्यू है भाई, टी बराबर में कुछ आया है तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ न कुछ है तो वो क्या है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, हमारे पास जो ये कॉन्स्टेंट डिफाइंड करा है हमने थीटा वी एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के, ये क्या है, ये है हमारे पास कंपन अवस्था का अभिलाक्षणिक ताप है, आगे बात समझ में, कंपन अवस्था का अभिलाक्षणिक ताप,
अब देखो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमारे पास जो टी बराबर हमारे पास वैल्यू आ रही थी, देखो हमने टेम्परेचर के बारे में तो बता दिया कि हमारे पास ये जो कंपन अवस्था है, यहाँ से वी का मतलब क्या है, यहाँ पे वी का मतलब आयतन नहीं है, यहाँ पे वी का मतलब है वाइब्रेशन, कंपन, कंपन है यहाँ पे, वाइब्रेशन है वी का मतलब, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट डिफाइन करा और यहाँ पे हमने उसका जो वैल्यू है, हम यहाँ पे देखो ये इक्वेशन हमारी, इस इक्वेशन में जहाँ पे एच बार ओमेगा नॉट अपन के आएगा, वहाँ पे अपन उसकी जगह थीटा वी पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हमने बताया था आपको चिरसब्दभौतिकी में, क्लासिकल फिजिक्स में, कि किसी भी अणु को, यानी कि जैसे हमारे पास द्विपरमाणु अणु है, उसको अपन ने टेम्परेचर दिया था, यानी कि ताप का मान हमने और बढ़ाया था, तो आपने वहाँ पे भी देखा था कि हमारे पास जो रिजल्ट आता है, हमने यहाँ पे रिजल्ट देखा था कि हमारे पास उसमें स्वतंत्रता की जो कोटि है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसमें वृद्धि हो जाती है, और हमारे पास जो परमाणु है, अणु है, वो हमारे पास जो क्या है, हमारे पास कंपन गति भी करने लगता है, अपने स्थान पर कंपन गति भी करने लगता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्वांटम भौतिकी में भी हम यहाँ पे कंपन गति को परिभाषित करेंगे, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये क्या है, कंपन अवस्था का अभिलाक्षणिक ताप है, जिसकी वैल्यू एच बार ओमेगा नॉट अपन के है, और उसको अपने थीटा वी से प्रदर्शित यहाँ पे कर दिया है। अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 1% भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन नीचे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ को, यहाँ पे अपने पास वैल्यू आ जाएगी, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारे पास जेड बराबर में, देखो यहाँ पे एच बार ओमेगा नॉट अपन के है, उसकी जगह रखेंगे अपन थीटा वी एच बार ओमेगा नॉट अपन में के, तो रख दो, तो समीशन हमारे पास एन बराबर में 0 इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पे ए की पावर में माइनस का एन प्लस 1/2, और एच बार ओमेगा नॉट अपन के है, उसकी जगह रखेंगे अपन थीटा वी अपॉन में के नहीं, थीटा वी अपॉन में टी आएगा, थीटा वी अपॉन में टी हमारे पास आ गया है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें अपन कुछ परिवर्तन कर देते हैं छोटा सा, हमारे पास जो वैल्यू आई है, हमारे पास जेड बराबर में ये वैल्यू आई है, इसमें अपन कुछ चेंज करेंगे, देखो कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास जो ई की पावर में एन है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ई की पावर में माइनस हमारे पास 1/2 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपन काम ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं इसमें थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं अपन, देखो यहाँ पे जेड बराबर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, देखो समीशन में हमारे पास ये है एन बराबर 0 से लेकर एन बराबर इन्फाइनाइट तक, ठीक है। देखो e की पावर में माइनस का एन थीटा वी अपॉन में टी हमारे पास ऐसे कैसे, मैंने कहा मल्टीप्लाई करना है बस, और e की पावर में माइनस का थीटा वी अपॉन में 2t हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे आपको भी पता है कि हमारे पास समीशन में जो वैल्यू है एन बराबर 0 से लेकर एन बराबर इन्फाइनाइट तक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जिससे एन मल्टीप्लाई हो रहा है उसी के ऊपर यहाँ पे समीशन लागू होगा, अन्यथा यहाँ पे देखो ई की पावर में माइनस का थीटा वी अपॉन टी 2t है, वो तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो निकालो इसको, बाहर निकालो भाई, कांस्टेंट को बाहर निकालो, तो यहाँ पे निकाल दो इसको समीशन से बाहर, ई की पावर में माइनस का थीटा वी अपॉन में क्या है 2t है, और समीशन में हमारे पास एन बराबर 0 से लेकर इन्फाइनाइट, और यहाँ पे e की पावर में माइनस का n थीटा वी अपॉन में t हमारे पास अंदर वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करा यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे ये करा कि हमने यहाँ पे जो n की वैल्यूज़ हैं, देखो n बराबर हम यहाँ पे 0, 1, 2, 3 ये पुट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि n की जो वैल्यू है यहाँ पे इसको पुट करा, देखो पुट करने से क्या होता है आप देखना, इसका जो रिजल्ट है क्या मिलता है हमें, देखो जेड बराबर हमें ई की पावर में माइनस का थीटा वी अपॉन में जो 2t है इसकी जो वैल्यू मिलती है हमें वो मिलेगी, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास देखो समीशन को अपन हटा देंगे, समीशन को अपन यहाँ पे हटा देंगे, और समीशन की जगह हम यहाँ पे एन बराबर 0, 1, 2, 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है, देखो यहाँ पे देखना ई की पावर में हमारे पास यदि हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ई की पावर में 0 आ जाएगी, और आपको पता है ई की पावर में 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, ठीक है। प्लस में हमारे पास देखो क्या आएगा,
यहाँ पे देखना, एक की पावर में हमारे पास से यहाँ पे एक रखेंगे तो माइनस का थीटा भी अपॉन में आ जाएगा, एक की पावर में माइनस का थीटा भी अपॉन में टी, प्लस में फिर वही एन बराबर दो, तो एक की पावर में माइनस का देखो ये एन बराबर दो रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दो थीटा वी अपॉन में टी। इसी प्रकार हमारे पास ये वैल्यू चलती रहेगी आगे, ठीक है, एन बराबर इन्फाइनेट तक। तो यहाँ पे देखो जेड बराबर अपन बात करते हैं तो देखो ई की पावर माइनस का थीटा वी अपॉन में टू टी, यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू लिख सकते हैं अपन एक, ठीक है, और प्लस में ई की पावर माइनस का थीटा वी अपॉन में टी, प्लस में ई की पावर माइनस का टू थीटा वी अपॉन में टी। अब देखो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, वैसे आपको पता होगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे देखें, हमारे पास ई की पावर में यदि यदि ई की पावर में एक्स है, प्लस में ई की पावर में टू एक्स है, प्लस में ई की पावर में थ्री एक्स है, इसको अपन किस प्रकार लिख सकते हैं? इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? देखो ई की पावर में एक्स की पावर वन, प्लस में ई की पावर में एक्स की पावर में अपन टू लिख दें, प्लस में यदि ई की पावर एक्स की पावर में अपन थ्री लिख दें, तो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि यदि अपन यहाँ पे ई की पावर में एक्स की पावर में वन लिखते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर तो होता नहीं है कि ई की पावर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ई की पावर में एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे वही वैल्यू आती है ई की पावर में वन एक्स, ई की पावर में टू एक्स, ई की पावर में थ्री एक्स। तो समझने की कोशिश करना, बस हम यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और फॉर्मूला बनाने की, यहाँ पे आपको कोशिश फॉर्मूला बनाकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ई की पावर में देखो माइनस का थीटा वी अपॉन में टू टी ऐसे कैसे, और यहाँ पे अंदर की साइड देखें तो देखो वन प्लस में ई की पावर में, यहाँ पे तो क्या है देखो माइनस का थीटा वी अपॉन में टी की पावर में एक, प्लस में ई की पावर में माइनस का थीटा वी अपॉन में टी की पावर में दो। इस प्रकार आगे चलता रहेगा, यानी कि माइनस का थीटा वी की पावर में तीन चार पाँच जो भी है आगे चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखो आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या, यहाँ पे अपन ये काम क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास देखो वन प्लस में ई की पावर में माइनस का थीटा वी अपॉन टी, ई की पावर में माइनस का थीटा वी अपॉन टी की पावर दो, तो यहाँ पे ये बन चुकी है अपने पास क्या, ये अपने पास बन चुकी है गुणोत्तर श्रेणी जी पी, जिसको बोलते हैं अपन गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, जी पी हमारे पास बन चुकी है। और जी पी का फॉर्मूला एस इन्फाइनेट, यानी कि एस इन्फाइनेट के लिए हमारे पास जी पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आपको भी पता होगा, ए अपॉन में वन माइनस का आर। और यहाँ पे यदि अपन यहाँ पे श्रेणी के अंदर इसमें यहाँ पे बात करते हैं वैल्यूज़ की, तो देखो ए बराबर प्रथम पद हमारे पास एक है, और आर, आर क्या होता है सार्व अनुपात होता है, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हो ई की पावर में माइनस का थीटा वी अपॉन में हमारे पास टी है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू रखो यहाँ पे एस इन्फाइनेट में, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जेड की जो वैल्यू आएगी, जेड की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, देखो जेड बराबर ये आ गया हमारे पास कितना, देखो ई की पावर में माइनस का थीटा वी अपॉन में टू टी मल्टीप्लाई में करेंगे, यहाँ पे देखो एस इन्फाइनेट ए यानी कि वन है, अपॉन में बात करते हैं वन माइनस का आर कितना है हमारे पास, ई की पावर में माइनस का थीटा वी अपॉन में टी। तो ये आ गया हमारे पास, देखो इसको अपन कर देते हैं ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इसको, और ब्रैकेट में बंद करके देखो यहाँ पे कर देते हैं, चलो इसी पेन से कर देते हैं, ब्रैकेट से बंद कर देते हैं इसको, और यहाँ पे इसको समीकरण नंबर अपन ने पीछे को नाम दिया है नहीं वैसे, तो इसको समीकरण नंबर एक नाम दे दो यहाँ पे आप, तो समीकरण नंबर एक नाम दे दिया, तो समीकरण नंबर एक को क्या कहेंगे अपन, समीकरण एक से कहेंगे अपन कि समीकरण जो एक है हमारा वो द्विपरमाणु अणु के लिए क्या कहलाएगा, सम वितरण फलन की वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास जो समीकरण एक है, समीकरण एक द्विपरमाणु अणु के लिए, द्विपरमाणु के अणु के लिए, अणु के लिए क्या कहलाता है, सम वितरण फलन कहलाता है, सम वितरण फलन, सम वितरण फलन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण एक को आप याद रखना, इसका अपन यहाँ पे यूज करेंगे अभी। देखो हमारा जो टारगेट है उसको याद रखो, हमें करना क्या है, हमें निकालना है द्विपरमाणु अणु के लिए ऊष्मा धारिता की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे
थोड़ा सा अपने माइंड में अपने टारगेट को रखें, तभी जाके आप उसको निकाल पाओगे। यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको याद हो तो सी वी की वैल्यू निकालनी है, आपको कैसे भी करके सी वी की वैल्यू निकालनी है। तो अभी तो हमारी जो मंजिल है उससे अपन काफ़ी दूर है। ये मान लो कि 100 में से अभी तक अपने 30% काम किया है मात्र, 30% भी नहीं किया अभी तो, 20% ही मान लो। ये अपन ने डेरिवेशन किया है ना अभी तक, ये 30% डेरिवेशन है, 30% मात्र। अब देखो आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन देखो, मैं आपसे पूछूँ कि ये जो कैलकुलेशन है अपनी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने सिंपल यहाँ पे देखो अगर इसका डिवीजन करें तो यहाँ पे देखो जेड बराबर हमारे पास क्या रखा है, यहाँ पे हमारे पास जो जेड बराबर पार्टीशन फंक्शन हमारे पास संवितरण फलन है। तो ये देखो जेड बराबर यहाँ पे वैल्यू रखी है, उसके बाद में ये थोड़ा बहुत मान रखा है इसका। मान रखने के बाद में यहाँ पे एक कैलकुलेशन करी है थोड़ी बहुत, और हमने यहाँ पे ये कर करा के जो भी काम किया है, छोटा मोटा काम किया है अभी तक तो, और यहाँ पे छोटा मोटा काम करके हमने यहाँ पे जेड की वैल्यू को निकाल दी, एक ही पावर में माइनस का थीटा भी अपॉन में 2t मल्टीप्लाई में एक अपॉन में 1 माइनस का एक ही पावर माइनस का थीटा भी अपॉन में t। ये हमारे पास वैल्यू आ गई समीकरण नंबर 1, संवितरण फलन को परिभाषित करती है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने यहाँ पे जेड का फॉर्मूला याद किया था, उसी प्रकार यहाँ पे एक फॉर्मूला अपन को और याद करना पड़ेगा, जिसका नाम है प्रायिकता वितरण फलन पी बराबर। देखते हैं आगे, अगले पेज में देखते हैं क्या फॉर्मूला है उसका। तो यहाँ पे अपन को एक नया फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा, और देखो इसको भी अपन ऐसे लिखते हैं, पुनः अगेन हम जानते हैं, पुनः हम जानते हैं, अभी नहीं जानते हम, पुनः हम जानते हैं, ये अपन को लिखना पड़ेगा ऐसे, पुनः हम जानते हैं। और क्या जानते हैं? अभी तक हम जानते नहीं हैं, लेकिन अब जब हम यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ लेंगे तब वहाँ पे अपन पूरा जान जाएंगे भाई कंप्लीट तरीके से, ठीक है? तो पुनः हम जानते हैं कि हमारे पास जो प्रायिकता वितरण फलन होता है, प्रायिकता वितरण फलन, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन होता है हमारे पास, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है पी इज इक्वल टू में ई की पावर माइनस का बीटा ई एन अपॉन में जेड होती है। इसको समीकरण नंबर 2 नाम यहाँ पे अपन दे सकते हैं। शानदार तरीके से समझ में आएगा यार, अल्टीमेट तरीके से। देखो बिल्कुल, मतलब मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे आप देखते हो ना पहली क्लास के बच्चे को समझाया जाता है, उसी प्रकार मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे देखो पी बराबर हमारे पास ई की पावर में माइनस का बीटा ई एन अपॉन में जेड है। तो देखो हमने हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बस हमको, क्या करना है देखो, हमें यहाँ पे बीटा की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/1 में के टी होती है। उसी प्रकार हमें यहाँ पे देखो ई एन की वैल्यू पता है कितनी होती है, देखो एन प्लस में 1/2, ठीक है, और एच बार ओमेगा नोट अपॉन में क्या होता है, एच बार ओमेगा नोट होती है बस, यही तो होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास ई एन बराबर एच बार ओमेगा नोट अपॉन ये होती है, ठीक है। और आपको पता है हमने यहाँ पे जेड की वैल्यू निकाल ली है, अभी तो निकाली थी बस, मैंने कहा था इसको याद कर लो, समीकरण 1 की सहायता से लिख देंगे अपन। तो जेड बराबर यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी आपको पता हो तो, देखो यहाँ पे ये आई थी ई की पावर में माइनस का थीटा वी अपॉन में 2t मल्टीप्लाई में 1/1 माइनस का ई की पावर में माइनस का थीटा वी अपॉन में टी आया था। तो ये वैल्यूज अपन को याद रखनी है और यहाँ पे पुट करनी है बस, और कुछ भी अपन को नहीं करना है, सिंपल सा काम है बस। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है उसको अपन यहाँ पे समीकरण 2 में पुट करने पर, तो समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो मान रखो भाई, कैसे रखते हैं मान, मान रखो तो रख देंगे भाई, क्या दिक्कत आती है भाई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अपन, देखो पी बराबर में देखो एक की पावर में रखेंगे यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे उससे पहले अपन थोड़ा सा यहाँ पे अपन को कुछ समझने की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे? यहाँ पे अपने पास जो पी है, हमारे पास प्रायिकता वितरण फलन है, इसकी अपन बात करेंगे एंड वी क्वांटम अवस्था के लिए अणुओं की संख्या। अब यहाँ पे देखो एक नया मोड़ आया है इसमें, तो इसको अपन और भी शानदार तरीके से समझते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन,
यहाँ पे इसको लिखने से पहले, यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे ना अपन, वैल्यू को लिखने से पहले अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे। देखो एन वी क्वांटम अवस्था के लिए, एनवी क्वांटम अवस्था के लिए अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या भाई साहब। तो एनवी क्वांटम अवस्था के लिए जो अणुओं की संख्या है उसका जो फॉर्मूला है वो वहाँ पे वैज्ञानिकों ने क्या दिया है, देखो एन सबस्क्रिप्ट में एन इज इक्वल टू हमारे पास कैपिटल एन मल्टीप्लाई में पी, ये यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। अब देखो यहाँ पे कईयों का कॉमन सवाल ये रहेगा, कईयों का कॉमन सवाल ये रहता है कि भाई देखो यहाँ पे अपने पास पी बराबर हमारे पास फॉर्मूला आ गया था, लेकिन उसके बाद में हमने यहाँ पे ये जो एन वी क्वांटम अवस्था के लिए अणुओं की जो संख्या है एन सबस्क्रिप्ट में पदांक में एन बराबर में एन मल्टीप्लाई में जो पी है, ये फॉर्मूला अपन को पता कैसे चलेगा और ये कहाँ से आया क्यों आया है। देखो एन वी क्वांटम अवस्था के लिए बात कर रहे हैं अपन अणुओं की संख्या की, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों आया है और यहाँ पे अपन को याद कैसे रहेगा, इस फॉर्मूले का यहाँ पे अपन को यूज करना पड़ेगा। तो देखो बात रही याद करने की, तो याद तो आपको प्रैक्टिस से होगा और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी तभी जाके आपको याद होगा, अन्यथा आप इसको याद करने में असमर्थ रहोगे। बात करते हैं ये यहाँ पे क्यों आया है, तो भाई देखो ये जो अपने पास डेरिवेशन है इसको प्रूफ करने के लिए साइंटिस्टों ने अपने कई साल बिताए थे, कई साल गुजार दिए, तो उन्होंने वहाँ पे अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके यहाँ पे एन वी क्वांटम अवस्था के लिए अणुओं की संख्या की बात करी और यहाँ पे एन एन बराबर एन पी यहाँ पे वैल्यू रख दिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो अपन यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स की तो बात कर नहीं रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स की, और आपको पता है कि क्वांटम फिजिक्स में अपन किसी भी पार्टिकल की बात करते हैं तो बिल्कुल माइक्रो स्टेट में बात करते हैं, बिल्कुल सूक्ष्म अवस्था में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि क्वांटम अवस्था किसी भी परमाणु के लिए, वहाँ पे अगर अपन स्टेट की बात करें तो वहाँ पे इनफाइनाइट स्टेट अपन को प्राप्त होती है, ठीक है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स अपन बात इनफाइनाइट अवस्थाओं की बात करते हैं, तो उसमें से अपन क्या करते हैं कि एन वी क्वांटम अवस्था को लेते हैं, यानी कि एक अपनी इच्छा से एक आर्बिट्री एक पॉइंट चुनते हैं, यानी कि एन वी एक ऐसी क्वांटम अवस्था है उसके लिए जो अणुओं की जो संख्या है हमारे पास वो क्या है हमारे पास कैपिटल एन बराबर में एन पी। अब देखो ये फॉर्मूला है ये तो साइंटिस्टों ने दिया है, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन इस लाइन का जो अर्थ है मैंने आपको समझा दिया कि एन वी क्वांटम अवस्था के लिए अणुओं की संख्या यहाँ पे अपन ने क्यों ली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये छोटी सी कहानी थी, इसको मैंने आपको शानदार तरीके से समझा दिया। अब चलते हैं आगे, अब यहाँ पे अब रखेंगे वैल्यू, यहाँ पे अब रखेंगे वैल्यू और हमारे पास जो कैपिटल एन और एन इज इक्वल टू यहाँ पे एन पी है, देखो एन तो हमारे पास ऐसे कैसे, और पी की जो वैल्यू रखनी पड़ेगी अब यहाँ पे रखनी पड़ेगी। देखो पी की वैल्यू थी क्या, देखो ई की पावर में हमारे पास था क्या था माइनस का, मैं लिख देता हूँ एक बार इसकी वैल्यू को वापस लिख देता हूँ, माइनस का था हमारे पास बीटा ई एन अपॉन में क्या था हमारे पास जेड था, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर की बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/ में के टी है, और ई एन की वैल्यू एन प्लस 1/2 एच बार ओमेगा नोट है, और यहाँ पे अपन ठीक है, तो यहाँ पे एन एन बराबर एन मल्टीप्लाई में ई की पावर में माइनस का बीटा ई एन अपॉन में जेड है। देखो यहाँ पे आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो, क्यों, क्योंकि मैं बिल्कुल बिल्कुल स्लोली पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल स्लोली, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी होगी 1-1.5 घंटे की, तो आप अगर स्पीड बढ़ाते हो तो वही 1 घंटे की आधे घंटे की बन जाएगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि एन एन बराबर एन मल्टीप्लाई में ये है हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करो भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 की 7 वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, यहाँ पे देखो क्या आएगी, देखो यहाँ पे एन एन बराबर में देखो एन हमारे पास ऐसे कैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखो यहाँ पे ई की पावर में एन, ठीक है, ई की पावर में एन है हमारे पास कितनी है, ये रहा एन प्लस 1/2 एच बार ओमेगा नॉट,
बीटा की वैल्यू 1/2 के टी है, यहाँ पे जेड की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अपने पास जेड की वैल्यू रखेंगे अपन, सबसे पहले जेड की रखते हैं, तो जेड की रखेंगे तो आपको पता है कि 1 माइनस का 1 e^-θ भी अपन टी है वो अपॉन में है, ठीक है, तो यहाँ पे और अपॉन में लिखेंगे तो यहाँ वैल्यू ऊपर आ जाएगी, तो देना देखना आप खुद करके देख लेना, इस कैलकुलेशन को कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे जेड की वैल्यू की जो ये 1 e^-माइनस का और 1 e^-माइनस का जो थीटा वी अपॉन में 2t है, ये हमारे पास अपॉन में रह जाएगा ऐसे के ऐसे। अब बात करते हैं आगे की, देखो ये हमारे पास 1 e^ में क्या है हमारे पास बीटा, तो देखो 1 e^ में हमारे पास माइनस का ऐसे कैसे और एन प्लस में 1/2, और यहाँ पे अपन बात करते हैं देखो एच बार ओमेगा नोट, और अपॉन में बात करते हैं हमारे पास के टी, ये कहाँ से आ गया, ये आ गया बीटा की वैल्यू हमने लिख दी, तो यहाँ पे आप देख लो कि हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू हमने रखी है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, हमने यहाँ पे जेड की वैल्यू रखी है, ई एन की वैल्यू रखी है और बीटा की वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूले में रखी है, उसके अलावा हमने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है अभी तक, तो ठीक है अभी तक कुछ नहीं किया। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पे हमने एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के, इसको हमने क्या माना था याद करो, अरे याद करो भाई, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने थीटा वी माना था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि हमने एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में जो के है इसको हमने परिभाषित कर रखा है थीटा वी से, जो हमारा क्या है, हमारा तापीय अभिलाक्षणिक क्या है, हमारे पास कंपन अवस्था में ताप अभिलाक्षणिक ताप है, कंपन अवस्था में अभिलाक्षणिक ताप को ये प्रदर्शित करता है थीटा वी, हमारे पास कांस्टेंट या कोफिशियंट अपन कह सकते हैं, इसको गुणांक कह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं, और जहाँ पे भी अपने पास एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के टी है उसको अपन में यहाँ पे थीटा वी लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे इसको खोलना ही पड़ेगा, आपको पता है कि देखो 1 e^ में माइनस का जो एन है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एच बार ओमेगा नॉट के टी से, और 1 e^ में माइनस का हमारे पास इससे 1/2 से भी करना पड़ेगा, तो दोनों जगह अपन को थीटा भी रखना पड़ेगा, तो एक बार देखते हैं इसको, यहाँ पे खोलते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे लिखते हैं, आ जाओ भाई लिखो इसको ध्यान से देखना, बिल्कुल सावधानी से करना है आपको कैलकुलेशन को, यहाँ पे समझ लो, और आपको कम से कम 3 से 4 बार इसको आपको रफ कॉपी में प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको ये समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है आगे चलते हैं भाई साहब, बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे, अल्टीमेट तरीके से करेंगे, देखो एक एक चीज़ को करेंगे, तो यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे पहले अपन उसको खोल लेते हैं मेरी माने तो, ठीक है उसको अपन यहाँ पे थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू एन एन बराबर में हमारे पास देखो क्या आ जाएगा एन मल्टीप्लाई में ऐसे कैसे पहले था ही, ठीक है, और हमारे पास देखो इसको थोड़ा अपन और नीचे कर लें तो आपको और साफ दिखेगा, और भी अच्छे तरीके से दिखेगा इस प्रकार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो एन एन बराबर एन हमारे पास ऐसे कैसे, और यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्या है 1 माइनस का 1 e^-माइनस का थीटा वी अपॉन में टी पहले से था, और मल्टीप्लाई में देखो 1 e^ में था हमारे पास क्या 1 e^- का था हमारे पास एन डॉट में एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में टी, ठीक है मल्टीप्लाई में 1 e^- का 1/2 एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के टी, ये हमारे पास आ गया, और अपॉन में बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अपॉन में है हमारे पास 1 e^- का थीटा वी अपॉन में 2t है। अब मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने ये कहा था कि आपसे हमारे पास वैल्यू है एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में किसकी के की, इसकी वैल्यू कितनी है थीटा वी है, तो उसको रख दो, अरे यार आप दिख नहीं रहे इधर, तो दिखा देता हूँ उसमें क्या फ़र्क पड़ता है अपने यार, ठीक है इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ये हो गया हमारे पास थीटा वी, ठीक है तो एच बार ओमेगा नॉट अपॉन के को थीटा वी लिख दिया अपन ने, तो लिख दो यहाँ पे, लिख दो आप यहाँ पे हो जाएगा एन एन बराबर हमारे पास हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे एन एन बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास देखो इसको ध्यान से समझो एन 1 माइनस का 1 e^- का थीटा वी अपॉन में टी, ठीक है डॉट 1 e^ में हमारे पास क्या है माइनस का एच बार ओमेगा नॉट है, तो यहाँ पे देखो माइनस का लिख सकते हैं अपन एन थीटा वी, यहाँ पे के भी तो आएगा के टी आएगा, तो एच बार ओमेगा नॉट अपॉन के टी को लिख देंगे थीटा वी, और टी हमारे पास ऐसे कैसे बच जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो इसको कोई दिक्कत नहीं है, थीटा वी अपॉन में क्या आ गया हमारे पास टी आ गया, और मल्टीप्लाई में 1 e^ में माइनस का देखो ये आ जाएगा थीटा वी अपॉन में 2t आएगा, और अपॉन में हमारे पास क्या है 1 e^- का थीटा वी अपॉन में
टूटी है। तो बन गई बात, बात बन गई, ये हमारे पास से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे भाई, हमारे पास क्या आ गया देखो, एन एन बराबर हमारे पास एन वन माइनस का ई की पावर माइनस का थीटा अपॉन में टी मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस का एन थीटा वी अपॉन में, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास अपॉन में क्या आ गया, हमारे पास टी आ गया। ठीक है, कंप्लीट। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई देखो, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है या नहीं है? तो यहाँ पे अपने पास इसको समीकरण नंबर अपन तीन नाम दे दो भाई इसको, ये अपने पास समीकरण नंबर तीन आ जाएगी, क्योंकि दो अपन ने यहीं पर दी थी, इसी में ऊपर दी थी आपको बताओ। तो समीकरण नंबर तीन इसको नाम दे दिया, उसमें क्या दिक्कत है, अपने हिसाब से दे दो, समीकरण को रटने की आवश्यकता नहीं कि कौन सा एक दो 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 तीन दो चार, अपने हिसाब से दे दो। ठीक है, बस आपको समझाना चाहिए, हाँ भाई ये यहाँ से वैल्यू रखी है इसमें, तो आपको समझाना आना चाहिए एग्जामिनर को किस प्रकार आप उसको समझाओगे। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे आगे, अब क्या करते हैं यहाँ पे देखो, हमारे पास एन है, तो यानी कि हमारे पास जो एन यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, वापस वही टेक्निक अपनाते हैं। देखो तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, हमारे जो स्टेट्स हैं एन का जो वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो समझने की बात ये है कि कईयों को तो समझ में आ गया कि एन यहाँ पे क्या है, लेकिन कईयों को अभी तक यही समझ में नहीं आया कि एन यहाँ पे है क्या। तो एन यहाँ पे अपने पास जो क्वांटम स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे प्रदर्शित करता है, और यदि अपन एन बराबर देखो 0, 1, 2, 3 ये पुट करते हैं, तो देखो अपन बात करते हैं यदि एन बराबर 0 के लिए, तो ये होता है अपने पास ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था के लिए बात करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेट की बात करते हैं, एक के लिए प्रथम सेकंड थर्ड इस प्रकार अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनर, ये रिजल्ट कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। क्यों, यहाँ पे बात करते हैं अपन यहाँ पे एन बराबर 0 के लिए, एग्जाम में कई बार आया ये, कई बार पूछा गया है एन बराबर 0 के लिए, मूल अवस्था के लिए, मूल अवस्था के लिए। ठीक है, तो एन बराबर 0 के लिए बात करते हैं, देखो यहाँ पे देखो एन 0 इज इक्वल टू, देखो इसको आगे ले आओ तो ई की पावर में हमारे पास कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे और मल्टीप्लाई में एन भी तो है, तो यहाँ पे कर दो से क्या फ़र्क पड़ता है यार, और यहाँ पे 1 माइनस का ई की पावर माइनस का थीटा वी अपॉन में टी हमारे पास ऐसे के ऐसे रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ई की पावर 0 का मान हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एन मल्टीप्लाई में हमारे पास 1 माइनस ई की पावर में थीटा वी अपॉन में टी हमारे पास ऐसे के ऐसे है। फिर उसके बाद में एक और कंडीशन लगाते हैं अपन, एक और कंडीशन लगा देते हैं, और उसका क्या कंडीशन है हमारे पास है, यदि इफ यदि टेम्परेचर का मान अपन 0 कर दे, 0 केल्विन, यानी कि परम शून्य ताप पर, ये स्थिति है, ये कंडीशन है जो अपन से एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है कि हमारे पास टी बराबर यदि 0 का हो मान, ये स्टार्ट कर दिया परम शून्य ताप की, तो यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी अपन को टी बराबर 0। तो एन नॉट बराबर हमारे पास एन 1 माइनस का ई की पावर देखो माइनस का थीटा वी अपॉन में क्या है 0, तो अब यहाँ पे देखो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे बात करते हैं 1 माइनस का ई की पावर में माइनस का इन्फाइनाइट, और आप यदि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल शानदार तरीके से पता होगा कि हमारे पास ई की पावर में माइनस का इन्फाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, वो 0 होती है। क्यों होती है, बिल्कुल एक प्रूफ के साथ मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास ग्राफ होता है वो किस प्रकार होता है, किसका, इसका ई की पावर माइनस एक्स का, देखो ई की पावर एक्स का ग्राफ किस प्रकार होता है, इस प्रकार यहाँ पे हमें ग्राफ मिलता है, यानी कि ई की पावर प्लस का जो इन्फाइनाइट आता है वहाँ पे जो वैल्यू आती है इन्फाइनाइट आती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ये ग्राफ आता है वो माइनस इन्फाइनाइट की तरफ 0 की तरफ यहाँ पे अग्रसित होता है, हालांकि 0 मिलता नहीं है, ये अपन बात करते हैं स्पर्श रेखा है एसिम्प्टोट्स। ठीक है, स्पर्श बात बात करते हैं अपन ने फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे एसिम्प्टोट्स अपन ने पढ़ा था, अंतःस्पर्शिया। ठीक है, तो वहाँ पे अपन ने इसको समझा था और शानदार तरीके से पढ़ा था, तो ये तो यार कॉन्सेप्ट है, बस आपको बता दिया मैंने, बस आपको याद रखना ई की पावर माइनस इन्फिनिट का जो मान होता है वो 0 होता है हमारे पास। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन यहाँ पे वैल्यू को, तो
तो हमारे पास देखो एन नॉट बराबर हमारे पास क्या आ गया, एन वन माइनस का ए की पावर में देखो थीटा, भी ये हमारे पास इन्फाइनेट था तो ये हमारे पास इन्फाइनेट वापस लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एन नॉट बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो यानी कि ये स्थिति हमारे पास काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आप देखना पिछले साल के जो पेपर हैं उनमें उठा के देखना कि आपसे केवल इतना भी पूछ लेता है वो कि प्रूफ दैट आपको दे देगा, प्रूफ दैट एन नॉट बराबर एन, द्वि परमाणु अणु के लिए सिद्ध करो एन नॉट बराबर एन होता है, बस इतना बता देगा आपको और केवल कुछ नहीं कहेगा, और ये आपसे प्रूफ करने के लिए कह देगा। तो आपको यहाँ तक आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये समीकरण नंबर 3 थी, ये समीकरण नंबर 4 दे दो इसको। तो समीकरण नंबर 4 है हमारे पास, ये हमारे पास परम शून्य ताप पर टी बराबर 0 केल्विन ताप पर, टी बराबर 0 केल्विन ताप पर जो हमारे पास अणुओं की जो संख्या आती है वो एन नॉट बराबर एन आती है, बस ये याद रखना आप। तो किस पे, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर हमारे पास जो अणुओं की जो संख्या आती है हमारे पास वो एन नॉट बराबर एन आती है, किसमें, ग्राउंड स्टेट में, मूल अवस्था में बात करते हैं। देखो मैं यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में बोल दिया करूँगा हालांकि, लेकिन मैं प्रॉपर हिंदी में बात करूँगा ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कोई वर्ड्स आते हैं तो जो जनरली मेरे को आते हैं उनको मैं यहाँ पे इंग्लिश में बोल देता हूँ, हालांकि जो नहीं आते हैं वो आप देख लेना क्या बोलते हैं उनको, लेकिन जनरली मैं अधिकतर जो वर्ड है उनको बोल देता हूँ इंग्लिश में। जैसे मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेट, मैंने आपको बात करी। तो यहाँ तक देखो अभी तक अपनी जो कैलकुलेशन है वो 50% हुई है। देखो वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा और हो चुका है, लेकिन नहीं आज अपन इसको बिना करे नहीं रुकेंगे, चाहे 2 घंटे लग जाएँ, चाहे 2 घंटे लग जाएँ ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं अपने पास, देखो इतना शानदार तरीके से आपको कौन समझाएगा, आपको टीचर भी नहीं समझाएगा इतने शानदार तरीके से। और मेरे हिसाब से तो अभी तक जो आपने करी है ना कैलकुलेशन, उसमें आपको 1% भी कहीं दिक्कत हो तो मेरे नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, और जब तक सीखेंगे नहीं ना तब तक तो इसको छोड़ेंगे नहीं आज, चाहिए 3 घंटे ले लें अपने। और 4 नंबर का सवाल आएगा, और 4 नंबर का हर साल आने का दम रखता है, और आता ही है सवाल इस यूनिट में से, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है शानदार तरीके से। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और हमने यहाँ पे एन नॉट बराबर एन हमने यहाँ पे निकाला है, देखो ध्यान से एन नॉट बराबर हमने क्या निकाला, एन निकाल लिया हमने ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, और इसमें और भी छोटी सी कैलकुलेशन है हमारे पास, और यहाँ पे देखो कई बार एग्जाम यहाँ तक पूछ लेता है आपसे ठीक है, मैंने बता दिया आपको। लेकिन अभी तक हमने यहाँ पे द्वि परमाणु अणु के लिए ऊष्मा धारिता की गणना नहीं करी है अभी तक, CV का मान हमने नहीं निकाला है अभी तक। तो उसको निकालने के लिए हमें एक और चीज़ यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। देखो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है, अभी तक हमने यहाँ पे जो हमारे पास जेड है संवितरण फलन है वो सीखा ठीक है, हमने यहाँ पे प्रायिकता फलन P सीखा। अब यहाँ पे अपन एक और नई चीज़ सीखते हैं, निकाय की माध्य ऊर्जा, मीन वैल्यू या मीन एनर्जी ऑफ सिस्टम ठीक है। तो यहाँ पे अब समझेंगे अपन निकाय की माध्य ऊर्जा, और मैं आपको बता दूँ बस ये लास्ट स्टेज है, ये लास्ट स्टेज है इस डेरिवेशन की, इसको अपन जब ख़त्म करेंगे अपने पास यहाँ पे लास्ट में हमारे पास द्वि परमाणु अणु के लिए ऊष्मा धारिता निकल के आ जाएगी ठीक है। तो टेंशन ना ले ठीक है। और वैसे मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा होगा कि यहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल देखो 0 लेवल से एकदम एक एक पॉइंट को बताया मैंने। तो यहाँ पे भी अपन देखो अब निकाय की माध्य ऊर्जा की बात करते हैं, मेन वैल्यू या मेन एनर्जी की बात करते हैं, किसमें सिस्टम में बात करते हैं। तो देखो अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ, और यहाँ पे अपन को अब एक फॉर्मूला और याद करना पड़ेगा। अब देखो यार जो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे निकाय की माध्य ऊर्जा है, निकाय की माध्य ऊर्जा आपको पता है राशि को उठे राशि संख्या होती है ठीक है, अपन ने नॉर्मली पढ़ा है माध्य का फॉर्मूला ठीक है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या ठीक है। तो यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे जो साइंटिस्ट अपने वैज्ञानिक हैं उन्होंने यहाँ पे निकाय की जो माध्य ऊर्जा है उसका फॉर्मूला हमें प्रदान किया है। तो क्या देखते हैं, देखो वी नो दैट लिखते हैं, वी नो दैट, हालांकि अपन जानते लिए लेकिन अपन को लिखना पड़ेगा, वी नो दैट निकाय की माध्य ऊर्जा। तो क्या लिखे हैं फॉर्मूला, देखो इसका फॉर्मूला होता है E⁻ इज इक्वल टू, देखो समीशन एन बराबर 0 से लेकर इनफाइनाइट, ई की पावर नहीं है, EN मल्टीप्लाई में e⁻⁷ EN ठीक है, अपॉन में बात करते हैं यहाँ पे
समीशन एन बराबर 0 से लेकर एन बराबर इन्फाइनेट ई की पावर माइनस का बीटा ई एन अपॉन में। वही बात है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कर दिया एन बराबर 0 से इन्फाइनेट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ई एन ई की पावर माइनस का ये कर दिया बीटा ई एन, लेकिन यहाँ पे अपॉन में कर दिया राशियों की संख्या। भाई कितनी संख्या है, इतनी संख्या है और इतना हमारा योग है। तो ये आपको वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे इस डेरिवेशन में फॉर्मूले याद करने के अलावा, आपको एक भी ऐसा काम नहीं लगा होगा जिसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बस फॉर्मूला देखो, हमने यहाँ पे नए नए फॉर्मूले आपको बताए हैं, सम वितरण फलन है, प्रायिकता फलन है, तो बस वो आपको याद करना है। उसके अलावा आप जो वैल्यू रखनी है, अब देखो ये हमारे पास है ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बताओ इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है आपको। देखो यहाँ पे ई एन का फॉर्मूला अपन को पता है, बीटा का फॉर्मूला अपन को पता है, बस मान रखना है और क्या करना है बताओ इसमें, मान रखना है और सीधा इसको सोल्व करना है। तो आइए चलते हैं आप बिना किसी देरी के, देखो सीखेंगे ना तभी छोड़ेंगे सवाल को, सीखेंगे जरूर लेकिन आज। तो यहाँ पे देखो हमारे पास, हम जानते हैं कि ई एन की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, ई एन की जो वैल्यू है हमारे पास वो है एन प्लस 1/2, एन प्लस 1/2 एच बार ओमेगा नॉट, ये आपको रट जानी चाहिए वैल्यू अब तो। और बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 π kT, सही है कि नहीं है? अरे KT होती है, मजे ले रहे हो ऐसे ऐसे बोल रहे हो, 4 π kT। तो बीटा बराबर 1/KT होती है। अब यहाँ पे अपन को करना क्या है, बस सिंपल यहाँ पे वैल्यू रखनी है ई बार में, ये रखना है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने है, और देखो इसको अपन ने समीकरण नंबर 4 दे दिया था पीछे, तो इसको समीकरण नंबर 5 दे दो भाई, समीकरण नंबर इसको 5 दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है अपना। अब आगे चलते हैं, धीरे 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 रेमना धीरे सब कुछ होए, और माली सीचे सुगड़ा रितुआए फले होए। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, फॉर्मूला तो दिखे हमें तभी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, देखो ई बार इज इक्वल टू है हमारे पास समीशन में, बात करते हैं एन बराबर 0 से लेकर इन्फाइनाइट, और ई एन की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे दिख रही होगी क्या है, एन प्लस में 1/2 एच बार ओमेगा नॉट, ठीक है ये ई एन की हो गई। और मल्टीप्लाई में करना है अपन को ई की पावर में, ई की पावर में देखो माइनस का आ जाएगा और एन प्लस का 1/2, और यहाँ पे एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में कर देंगे के टी। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो यहाँ तक। और अपॉन में है फिर हमारे पास, देखो अपॉन की बात करते हैं, नीचे की बात करते हैं, तो देखो ये हमारे पास ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे। समीशन बात करते हैं एन बराबर 0 से लेकर एन बराबर इन्फाइनेट तक, तो यहाँ पे देखो ई की पावर में माइनस का वही एन प्लस 1/2 एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के टी। कहीं इसको आप इधर ऐसे कैंसिल मत कर देना कि ये हमारे पास समीशन इसमें लग रहा है, यहाँ पे कर दो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों सेम दिख रहे हैं। नहीं, ऐसी गलती मत करना भाई साहब, बिल्कुल नहीं करना ऐसी गलती ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी अपने को कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, यहाँ पे जटिल कॉम्प्लिकेटेड लग रही है भाई हमको थोड़ी सी। देखो तो इसको सिंपल बनाते हैं अपन, क्या करते हैं हमारे पास जो यहाँ पे एच नॉट अपन में के टी है ना, इसको अगर अपन एक्स मान लें, इसको अपन क्या कर लें एक्स मान लें, तो हम यहाँ पे आगे जो कैलकुलेशन करने वाले हैं वो हमारे पास थोड़ी सी सिंपल यहाँ पे बन जाएगी। भाई कैलकुलेशन है यहाँ पे, अगर अपन को ज़्यादा टर्म्स लिखने पड़ते हैं वो उसकी जगह अपन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म्स का अपन उपयोग करेंगे, तो वहाँ पे अपन को समझ में आसानी, समझने में क्या होगी आसानी रहेगी ठीक है। तो बिल्कुल शानदार तरीके समझेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, बिल्कुल शानदार तरीके समझेंगे और समझते हुए चलेंगे भाई, सही है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो अरे भाई ऊपर चली गई है, कोई बात नहीं थोड़ा नीचे कर देते हैं इसको। यहाँ पे क्या करना है, माना दूसरा पेन ले लेते हैं आपको दिख जाए उससे, यहाँ पे देखो आपके लिए नए पेन मंगाए मैंने क्लासमेट के, देखो क्लासमेट ऑक्टेंजर ठीक है, दिख रहे होंगे यहाँ से आपको कोई बात नहीं, अब चलते हैं आगे, शानदार तरीके समझ में आएगा, अल्टीमेट तरीके समझ में आएगा। देखो हमारे पास क्या है, माना लेट कराए अपन ने यहाँ पे, माना है क्या, माना है कि हमारे पास जो यहाँ पे एच बार ओमेगा नोट अपन में के टी हैं ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे एक्स, इसको मान लेते हैं अपन,
एच बार ओमेगा नॉट अपन के टी है वो हमने एक्स मान लिया इसको, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको अपन इजी कर देंगे, थोड़ा सा इजी कर देंगे। अब देखो करना क्या है, देखो किसी भी सवाल को ना अपने दिमाग में ऐसे मत बिठाओ कि ये हमें समझ में नहीं आएगा। अगर आपने इसे बिठा लिया तो गारंटी 100% वो आपकी समझ में नहीं आएगा। अब देखो बिल्कुल, अब देखो यार आप इनिशियल स्टेट में हो, अभी तक आपने इस डेरिवेशन को अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो आप ये बताओ कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो? अभी तक आप केवल इसको एक बार पढ़ रहे हो, इसके बाद में आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, फिर तिबारा भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके याद होगा, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मेरे को ये याद हो सकता है। लेकिन अभी आप यहाँ पे इसको एक्सपेक्ट मत करो, यहाँ पे अभी केवल आप समझो, यहाँ पे समझो कि जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। याद करने की कोशिश मत करो, इसको याद करने की कभी कोशिश मत करो, केवल समझने की कोशिश करो। बस ये होता है किसी भी डेरिवेशन को समझने का एक बेहतरीन फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो एच बार ओमेगा नॉट अपन के टी, इसको मान लेंगे एक्स। यहाँ पे भी देखो ये रहा, इसको भी एक्स रखेंगे। इसके अलावा कहीं पे भी अपन एक्स ही नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, क्या आगे चलते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। आ जाओ ये उधर ऊपर ऊपर चलते हैं, यहाँ पे सीढ़ियों छत पे चलते हैं, छत पे। तो छत पे आ चुके हैं अपन, ये आ गए छत पे। ठीक है भाई साहब, आ गए। ठीक है, और देखो भाई देखो कैसा लग रहा है आपको, एकदम यहाँ पे पढ़ने में कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है? ठीक है, और कैसा है यहाँ पे अनुभव आपका पढ़ने का? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए कैसे लग रहा है आपको, पढ़ने में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और किस प्रकार आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। मतलब कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी बडी, चाहे वीडियो क्वालिटी से प्रॉब्लम हो, आवाज़ से प्रॉब्लम हो, या फिर समझाने के संबंध में प्रॉब्लम हो, या नोट्स के संबंध में कोई प्रॉब्लम हो, सब जो भी है वो सब बताइए इधर। ठीक है, आप चलते हैं आगे, चलते हैं मुद्दे की बात पे आते हैं। और यहाँ पे देखो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास देखो ये है ई बार। ई बार की वैल्यू हमने इस प्रकार लिखी थी, देखो यहाँ पे समीशन में हमारे पास क्या है, एन बराबर 0 से लेकर एन बराबर इन्फाइनेट तक। अब देखो हमने हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है, नीचे देख सकते हो आप, नीचे देख सकते हो हमारे पास ये वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो एच बार ओमेगा नोट है इसको अपन बाहर ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास समीशन के ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि समीशन में एन बराबर 0 से लेकर एन बराबर इन्फाइनेट तक है, यहाँ पे इसमें एन है नहीं, इसको बाहर अपन ने निकाल दिया। भाई साहब बिल्कुल सही है। उसके बाद में हमारे पास देखो एन प्लस में 1/2 अंदर ऐसे कैसे रह जाएगा? ठीक है, और यहाँ पे देखो एक ही पावर में हमारे पास ये जो है देखो माइनस का एन प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई में कर देंगे एक्स। ठीक है, और अपॉन में बात करते हैं वही उसी प्रकार से, समीशन में हमारे पास क्या है देखो एन बराबर 0 से लेकर एन बराबर इन्फाइनेट, और यहाँ पे बात करते हैं अपन देखो वही एक ही पावर में माइनस, देखो इसको मैं दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, ये है हमारे पास माइनस का एन प्लस 1/2, इसको रख देंगे अपन एक्स रख देंगे। ठीक है, तो रख दो, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे एक ही पावर में माइनस का एन प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई में एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, और इसको अपन वापस थोड़ा ऊपर कर देते हैं। भाई साहब ये कर दिया, भाई साहब आ गया वैल्यू, अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो आगे क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पे बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, समझने के माध्यम से इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट है, क्या आपको मज़ा आ जाएगा समझने में। देखो किसी भी कॉन्सेप्ट को आप इस प्रकार समझो, इस प्रकार समझो कि ऐसे समझो कि अपन को यदि ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, अपन दूसरे से पूछेंगे, अपने सहपाठी से पूछेंगे, अपने क्लासमेट से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे, मतलब ऐसा रखो, जिज्ञासा रखो पढ़ने की। और जैसे भी कोई कॉन्सेप्ट नया आता है आप टीचर से डिस्कस करो, और टीचर आपको बताएगा, क्या पता कोई और मेथड बता दे आपको। ठीक है, और आपके क्लासमेट से डिस्कस करो, क्लास में बताओ ये कैसे आया। ठीक है, आपकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी वहाँ पे, समझ रहे हो आप बात को? तो इस प्रकार पढ़ोगे आप इंटरेस्ट लेके, और तो आपको मज़ा आएगा। और वैसे आप पढ़ने के ऐसे पढ़ोगे, अरे यार कैसे समझ में आएगा, वो है, तो फिर आप मेरे हिसाब से तो मत ही पढ़ो, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि फालतू की टेंशन लेना बहुत ही ख़राब है सेहत के लिए। ठीक है, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, मज़े लेके पढ़ो। ठीक है, मज़ा लेके पढ़ोगे तो ही मज़ा आएगा, अन्यथा बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन किस प्रकार करेंगे वो ही बहुत ही शानदार चीज़ है भाई। आ जाओ अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे देखो
एन बराबर अपने पास ये है। अब देखो समीशन जहाँ पे है समीशन को उठाना पड़ेगा, समीशन को उठाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे एन बराबर हमें 0, 1, 2, 3 की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे रखते हैं इसमें इसमें यहाँ पे एन बराबर 0, 1, 2, 3 रखते हैं। आ जाओ जल्दी से जल्दी काम करते हैं क्योंकि अब देखो वीडियो लंबी हो चुकी है काफ़ी, लेकिन देखो उससे कोई मतलब नहीं है मेरे को, आज मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, पूरा हो जाएगा ना काम अपना तभी जाके छोड़ेंगे अपन, चाहे 2 घंटे हो चाहे 3 घंटे। यहाँ पे ई बार में हमारे पास आ जाओ, तो यहाँ पे जहाँ पे भी एन है वहाँ पे देखो 0 पुट करो, 0 करो, फिर ऊपर 1 करना पड़ेगा, 2 करो, 3 करो, जो भी है कर लेते हैं। आ जाओ तो देखो यहाँ पे समय एच बार ओमेगा नोट हमारे पास ऐसे के ऐसे रहेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे समीशन को तो हटा दिया, अब यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो आप होता है 1/2 ई की पावर में 0 - 1/2 x, ये आएगा। तो लिख देता हूँ देखो 1/2, ठीक है, 1/2 और ई की पावर में माइनस का 1/2 x, बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं प्लस में, प्लस में बात करते हैं यहाँ पे तो देखो फिर क्या आएगा, अपन यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 रखते हैं यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो 1 + 1/2 3/2, तो 3/2 और ई की पावर में माइनस का वही 3/2 x, ठीक है। इसी प्रकार आगे चलता रहेगा, बस इतना ही काफ़ी रहेगा बताने के लिए। और अपॉन में बात करते हैं वही इसी प्रकार, समेशन को तो हमने हटा दिया, और ई की पावर में बात करते हैं वही देखो ई की पावर में हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1/2, 0 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 x, प्लस में ई की पावर में माइनस का वही 3/2 x। इस प्रकार प्लस में अगर बात करें माइनस का, यहाँ पे 3 रखेंगे तो वही कितना आएगा, 5/2, 5/2 x। तो इस प्रकार आगे चलता रहेगा, आप देख लो अपने हिसाब से। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1% भी दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये अच्छे अच्छे मास्टरों को भी नहीं आता है, मान लो आप ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझाते हैं ना, तो ये मान लो इसको याद रखना पड़ता है तभी जाके आप समझा सकते हो, अन्यथा आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। और शानदार कॉन्सेप्ट है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ शानदार कॉन्सेप्ट है। आपको क्लास में, अगर क्लास में आपको थोड़ा डिफरेंट करना है तो यहाँ पे शानदार चीज़ है, इसको समझो भाई साहब। अगर आपको क्लास में सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, पढ़ाई के माध्यम से बोल रहा हूँ मैं, क्लास में यदि आपको सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है टीचर को यहाँ तक, तो ये आप इस कॉन्सेप्ट को पूछो। आप देखो क्या कर रहे हैं वाले हैं आप यहाँ पे, ये जो अपन पूरी वैल्यू है ना अपने पास, ये हमारे पास जो पूरी वैल्यू है इसको अपन पूरी तरह बदल देंगे। यहाँ पे देखो एक बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार आप उसको लिखने देना, उसके बाद में यहाँ पे सवाल पूछना भाई साहब, ठीक है। मैं एक बार लिखता हूँ, उसको लिखने दो एक बार, ठीक है। तो लिखने दो मेरे को एक बार उसको, देखो यहाँ पे मैंने खींची एक लाइन ब्रैकेट की बड़ी सारी, और इधर भी मैं कह देता हूँ एक लाइन आराम से ब्रैकेट की बड़ी लाइन। यहाँ पे मैंने बनाया इस प्रकार, चूँकि यहाँ पे लिखा मैंने डी अपॉन में डी एक्स और लॉग ई, शानदार चीज़ है अल्टीमेट बोलते हैं इसको। यहाँ पे लिखते हैं अपन अंदर की तरफ ई की पावर माइनस का 1/2 x, प्लस में ई की पावर में माइनस का 3/2 x, प्लस में ई की पावर में माइनस का 5/2 x, डॉट 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 डॉट। यदि अपन इसका डी अपॉन डी एक्स का मतलब डी अपॉन डी एक्स के साथ एक्स के सापेक्ष इस लॉग के इस फंक्शन का इस फलन का अपन बात करते हैं यहाँ पे, इसका अवकलन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास अवकलन, देखते हैं भाई साहब। लॉग का हो जाएगा 1/x, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है ये अपॉन में आ जाएगी हमारे पास। तो ई की पावर में माइनस का 1/2 x, प्लस में ई की पावर में माइनस का 3/2 x, प्लस में ई की पावर में माइनस का 5/2 x, डॉट डॉट डॉट, हमारे पास इस प्रकार ये रहेगी। लेकिन देखो 1/ का एक्स लॉग का तो हो गया, लॉग का तो हो गया 1/ में एक्स, लेकिन फिर हमारे पास जो ये बचेगा ये ऊपर की तरफ, इसका कैसे होएगा भाई। यहाँ पे
ई की पावर में लॉग का तो हो गया 1/x, लेकिन बात करते हैं फिर हमारे पास ये भी तो है, तो इसका कैसे करेंगे? आ जाओ भाई करते हैं शानदार तरीके से। देखो ई की पावर में माइनस का 1/2x है, क्या है ई की पावर में माइनस का 1/2x है, ई की पावर में माइनस का 3/2x है, और ई की पावर में माइनस का 5/2x है। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे इसका सॉल्यूशन ऊपर की तरफ। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ई की पावर माइनस का 1/2, तो ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स का आपको पता है होता है, ठीक है, लेकिन फिर अपन एक्स का करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है 1/2, और ई की पावर में हमारे पास मल्टीप्लाई में ई की पावर में माइनस का 1/2x आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, कैसे? यहाँ पे देखो आप माइनस का 1/2 है, तो यहाँ पे माइनस भी आएगा, यहाँ पे माइनस भी आएगा, लेकिन समझो एक बार क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, और यहाँ पे देखो इसका करते हैं, तो देखो ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स, फिर बात करते हैं एक्स के मल्टीप्लाई में, यानी कि 3/2 आगे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में ई की पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर में माइनस का 3/2x हो जाएगा। उसी प्रकार प्लस में यहाँ पे देखो भाई 5/2 आगे आ जाएगा, और ई की पावर में माइनस का 5/2x हमारे पास, ये ऐसे कैसे आ गया हमारे पास। लेकिन फिर कहा भाई माइनस कहाँ गया, माइनस को हमने क्या किया कि हमने इस माइनस को तो यहाँ से हटा दिया, लेकिन माइनस अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, माइनस अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? बताओ माइनस अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ ये कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया था, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपन यूज ले रहे हैं इसे। अब यहाँ पे आपके मन में पहला सवाल ये उठता है कि यहाँ पे अपन इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं? फिर मेरा जवाब आता है कि भाई इसका अपन उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं, और सॉल्यूशन करने के लिए अपन यहाँ पे इसे देखो किसी भी डेरिवेशन को सोल्व करने के हज़ारों मेथड होते हैं, ठीक है, पता नहीं कौन सा टीचर कौन सा मेथड करवाता है, कौन सा मतलब अलग अलग मेथड होते हैं सबके, लेकिन इससे डेरिवेशन को या इसको सोल्व करने का ये सबसे ईजी मेथड आप मान सकते हो। यानी कि अगर आपको ये वैल्यू याद है, वैसे याद करने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है बताओ, याद करने की आवश्यकता पड़ कहाँ रही है आपको? आपको केवल ये याद रखना है। अब यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका लॉग लगा के इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो आपको पता है ये दोनों वैल्यू मिल जाएंगे, और दोनों वैल्यू मिल जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या कह सकते हैं, मैं समीकरण नंबर 5 यहाँ पे दिया था, तो समीकरण नंबर 6 नाम देखें इसको, ठीक है दे देते हैं। तो समीकरण जो हमारे पास है 6 आया है हमारे पास, इस समीकरण 6 से अपन यहाँ पे इसमें हमारे पास समीकरण 6 से यहाँ पे वैल्यू रखने पर इसके अंतर्गत, ठीक है, तो यार उसको 5 दिया था, इसको 6 देना चाहिए था अपन को है, तो देख लो यार आपके हिसाब से इसको इसको 6, अरे चलो छोड़ो यार उससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे समीकरण नंबर 6 आया है ना, इसकी वैल्यू अपन को यहाँ पे इसमें रखनी है, और क्या रखना है देखो इसकी पूरे की जगह, इस पूरे की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का डी अपन में डी एक्स लॉग ई की पावर माइनस का 1/2x, ई की पावर माइनस का 3/2x, और माइनस का 5/2x, ये अपन लिख सकते हैं इसकी जगह, पूरे की जगह लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं अगले पेज में, और यहाँ पे देखो ये पूरा है ना, इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा केवल, आप देख लेना वीडियो को पीछे करके कैसे भी करके अल्टीमेट तरीके से समझ में आएगा, कहीं पे भी एक माइनस के भी माइनस जो आया है ना उसकी भी आपको समझ में आएगा ये माइनस आया कहाँ से है, ठीक है। आ जाओ भाई आ जाओ सब आ जाओ। और अब देखो ज़्यादा लंबा बचा नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें काम बचा है, बस अब खत्म होने वाला है। तो देखो ई बार में हमारे पास क्या आ गया था, देखो माइनस हमारे पास आगे आएगा एच बार ओमेगा नॉट हमारे पास है ही, और उसकी जगह हमने लिख दिया डेल अपॉन में डेल एक्स लॉग बेस में ई, अब यहाँ पे लिख दिया अंदर की साइड ई की पावर माइनस का 1/2x प्लस में ई की पावर माइनस का 3/2x प्लस में ई की पावर माइनस का 5/2x डॉट डॉट डॉट, हमारे पास इस प्रकार वैल्यू चलती जाएगी, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, अब तो आ गया होगा आपको समझ में। अब देखो यहाँ पे वही बात है हमारे पास, इसमें भी आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, किसका, वही गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला बना दो इसमें, बताओ क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा देखो आप थोड़ा सा अगर ध्यान से समझो, तो देखो यहाँ पे ई बार बराबर देखो माइनस का एच बार ओमेगा नोट हमारे पास ऐसे कैसे है, डेल अपॉन में डेल एक्स, ठीक है, और लॉग ई हमारे पास ऐसे कैसे, यदि अपन अंदर की साइड ई की पावर में माइनस का 1/2 कॉमन ले लें, 1/2x ले लो भाई, 1/2x कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा देखो 1 प्लस में ई की पावर में क्या है हमारे पास माइनस का क्या बचेगा फिर एक्स,
एक्स तो का एक्स बचेगा क्या फिर है। अरे एक बार सुनो सुनो, एक बार सुनो भाई, देखो ध्यान से देखना एक बार। तो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल सही है। ई की पावर माइनस का 1/2 एक्स अपन कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे तो जाएगा 1 प्लस में ई की पावर में बच जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा यहाँ पे देखो आप, एक यहाँ पे 3/2 को अगर आप तोड़ के लिखोगे तो क्या होएगा हमारे पास, 1 प्लस में 1/2, तो 1/2 तो अपन ने बाहर ले लिया और यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा, यानी कि एक्स बचेगा। खुद करके देखना इस कैलकुलेशन को, मजा आएगा। प्लस में हमारे पास ई की पावर में यहाँ बच जाएगा फिर माइनस का 2x, इस प्रकार आगे चलता रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास वापस गुणोत्तर श्रेणी बन गई या नहीं बन गई, तो यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे अपन एस इन्फाइनेट का, क्या होता है हमारे पास ए अपॉन में 1 माइनस का आर, ठीक है। यहाँ पे इन्फाइनेट हमारे पास श्रेणी है तो ए अपॉन में 1 माइनस का आर लग जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पे आप देख सकते हो ए बराबर हमारे पास 1 है ये रहा, और आर बराबर हमारे पास जो सार अनुपात है वो यह है ई की पावर माइनस का एक्स है हमारे पास। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे आर बराबर ई की पावर माइनस का एक्स हमारे पास हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना ई बार है हमारे पास वो क्या आ गया, देखो माइनस का एच बार ओमेगा नोट, ठीक है, मल्टीप्लाई में डेल अपॉन में डेल एक्स, और लॉग है अपने पास बाहर, और ई की पावर में माइनस का 1/2 एक्स, ऐसे कैसे है। और यहाँ पे अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 1 अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, 1 अपॉन में हमारे पास है 1 माइनस का आर, कितना, ई की पावर माइनस का एक्स, ठीक है भाई साहब, इतना हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब देखो अपन को क्या करना है, बस अब तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे ई बार हमारे पास ऐसे कैसे, और माइनस का हमारे पास देखो एच बार ओमेगा नोट अपॉन में ये डेल अपॉन का डेल एक्स हमारे पास ऐसे कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अपन देखो ये लॉग है इसको अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, समझो इसको ध्यान से। तो यहाँ पे इसको अंदर लेके जाएंगे तो आप पता है लॉग और ई एक दूसरे के जाने दुश्मन है, तो यहाँ लॉग और ई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये माइनस का 1/2 बच जाएगा, 1/2 एक्स बच जाएगा। प्लस में प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में बात करते हैं हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा लॉग हमारे पास, और यहाँ पे 1 अपॉन में क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 माइनस का ई की पावर माइनस का एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास लॉग को अपन अंदर ले गए, तो लॉग से ई के ये हमारे पास लॉग और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस का 1/2 एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये, और यहाँ पे इसके भी लॉग लगेगा, तो लॉग 1 अपॉन में क्या आ गया, 1 माइनस का ई की पावर माइनस का एक्स। अब क्या करना है अपन को, सिंपल यहाँ पे डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे देखो ई बार बराबर हमारे पास देखो माइनस का एच बार ओमेगा नॉट, और यहाँ पे डेरिवेटिव करना है अब इसका, तो डेरिवेटिव करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। देखो माइनस का 1/2 एक्स है, ठीक है, तो माइनस का जो 1/2 एक्स है इसका आप डेरिवेटिव किस प्रकार करोगे, यहाँ पे इसका जो अवकलन है आप देखो कि हमारे पास इस एक्स का, यहाँ पे आप समझो थोड़ा सा ध्यान से, तो क्या होगा देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे भाई थोड़ी सी गलती कर रहे हैं अपन, और गलती क्या कर रहे हैं देखो यार, समझो बात को, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और फनी सी बात है। यहाँ पे क्या है देखो, आपको अगर पता चल गया हो तो सही बात है, कोई बात नहीं, गलती हमारी है। देखो जल्दी जल्दी में क्या कर दिया हमने, यहाँ पे जो लॉग है हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में हमारे पास है देखो, ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास बी है। आपको पता है लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस में लॉग बी होता है, तो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा भाई साहब, बीच में प्लस आएगा, तो ये हमारी थोड़ी सी गलती हो चुकी थी यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन से फिर जो कैलकुलेशन है ना आगे वाली वो फिर वहाँ पे गलत हो जाती है हमसे, इसलिए इसको अभी तक यहाँ पे मैंने यहाँ पे जल्दी से गौर कर लिया, हाँ भाई यहाँ पे अपन ने गलती कर दी, कोई बात नहीं उसको सुधार लिया हमने। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं इसका, डेरिवेटिव करेंगे तो देखो माइनस का 1/2 एक्स है, तो माइनस का 1/2 एक्स तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स के सापेक्ष इसका माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में क्या करा अपन ने, यहाँ पे देखो बाहर माइनस है अपने पास, और यहाँ पे फिर अंदर, अंदर देखो अब यहाँ पे इस लॉग का करते हैं अपन, प्लस में लॉग का किया तो लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स, और आपको पता है 1 अपॉन एक्स क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा अपने पास, अपॉन में 1 माइनस का ई की पावर माइनस एक्स आएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे समझो लॉग में है हमारे पास 1 अपॉन का एक्स, तो लॉग क्या होता है एक्स, लॉग का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये तो पहले भी अपॉन में है, तो ये पहले अपॉन में है तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में, तो ये अपॉन का क्या चल जाएगा वापस ऊपर चल जाएगा, यानी कि 1 माइनस का ई की पावर माइनस का एक्स ऊपर आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पास इसका तो हो गया भाई, देखो इसका तो हो गया, फिर बात करते हैं 1 अपॉन में एक्स बच गया हमारे पास, लॉग का तो हो गया, लॉग के अंदर जो बचा है, अब देखो यार अवकलन तो बता रहा हूँ मैं आपको लेकिन आना चाहिए वैसे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे
ये अपने पास वन अपॉन एक्स है, ठीक है। तो वन अपॉन का एक्स क्या होता है, वन अपॉन का एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा अपॉन में वन माइनस का ए की पावर माइनस का एक्स का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में करेंगे अपन माइनस का वन से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आपको पता है वन अपॉन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो माइनस लगा दिया अपन ने, और वन माइनस का ए की पावर एक्स हमारे पास ऐसे कैसे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में हमारे पास देखो मल्टीप्लाई में अंदर, यहाँ पे देखो अभी तक हमने क्या करा, यहाँ पे लॉग का कर दिया, तो लॉग का तो हो गया वन अपन का एक्स, ये आ गया। उसके बाद में हमने यहाँ पे वन अपन एक्स कर दिया, वन माइनस का ए की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो अंदर हमारे पास वन माइनस ए की पावर एक्स है, इसका भी करना पड़ेगा। तो देखो वन का हो गया जीरो, और माइनस का फिर हमारे पास ए की पावर माइनस का एक्स है, तो देखो ये माइनस आगे आएगा तो ये हमारे पास बीच में प्लस हो जाएगा, ए की पावर माइनस का एक्स हमारे पास ऐसे कैसे बच जाएगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ वापस से बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं किया अपन ने, हमारे पास लॉग था, लॉग ए लॉग बी का फॉर्मूला लगाया, तो लॉग ए प्लस में लॉग बी, उसके बाद में डेरिवेटिव किया वन अपॉन टू का एक्स का, वन अपॉन टू आ गया। और यहाँ पे लॉग में देखो वन अप लॉग का किया वन अपॉन एक्स ऊपर चला गया, उसके बाद वन अपॉन एक्स का किया ये आ गया, उसके बाद में वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स का भी होगा, तो वन का जीरो, और यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स का ये प्लस ई की पावर माइनस का एक्स हो गया है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, और यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, या माइनस को कॉमन ले लो, ठीक है, या फिर अपन कैसे भी कर लो, यहाँ पे अपन लिख देते हैं माइनस से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पूरी संख्या है पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास, देखो ये हमारे पास हो गया ई बार, हमारे पास आ गया, हमारे पास कितना आ जाएगा प्लस का एच बार ओमेगा नॉट, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा देखो, अब देखो समझने की यहाँ पे कोशिश करो थोड़ा सा। तो देखो ये हमारे पास वन वन माइनस ई की पावर माइनस का एक्स है, तो ये हमारे पास एक पावर है वो यहाँ पे कैंसिल होगी, आपको दिख रहा हो तो एक पावर हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अपॉन में बच जाएगा, देखिए ये फिर क्या हो जाएगा, ये को देखो प्लस में 1/2 बच जाएगा। और फिर यहाँ पे प्लस की बात करते हैं हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एक की पावर ऊपर में माइनस का एक्स है ना हमारे पास, ठीक है, 1/2, यहाँ पे ऐसे कैसे। उसके बाद में क्या बच गया ऊपर, देखो ई की पावर में माइनस का एक्स बच गया। अपॉन में बात करते हैं वन माइनस का ई की पावर में ये बच गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ई बार में, हमारे पास जो माध्य ऊर्जा है हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई प्लस का एच बार ओमेगा नॉट 1/2 प्लस में ई की पावर माइनस का एक्स, वन माइनस ई की पावर का एक्स आ चुका है। अब यहाँ पे देखो इसमें भी कुछ अपन परिवर्तन कर सकते हैं, देखो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो अगर तो यहाँ पे देखो इसमें कुछ परिवर्तन अपन कर सकते हैं, ऊपर चलते हैं भाई, तो यहाँ पे देखो इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं अपन। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो ई बार बराबर में क्या है प्लस का एच बार ओमेगा नोट वन अपॉन में टू प्लस में ई की पावर माइनस का एक्स, अपॉन में है हमारे पास वन माइनस का ई की पावर में माइनस का एक्स है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे माइनर चेंज है बिल्कुल, यहाँ पे क्या करता हूँ देखो 1/2 ऐसे कैसे प्लस में, देखो ई की पावर माइनस का एक्स है, तो यहाँ पे देखो मैं ई की पावर माइनस का एक्स अगर बाहर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, देखो वन अपॉन में बात करते हैं, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वन अपॉन में ई की पावर माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस का वन बच जाएगा, ये होगा नहीं होगा बताओ। तो यहाँ पे ई की पावर में माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगा बताओ, और हमारे पास माइनस का वन बन जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अरे यहाँ पे ई की पावर माइनस का एक्स आएगा यहाँ पे, आपको बताओ तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास देखो ई बार बराबर हमारे पास प्लस में एच बार ओमेगा नॉट है और 1/2, और प्लस में बात करते हैं देखो वो तो हो गया ख़त्म, और यहाँ पे देखो ई की पावर माइनस का एक्स है, तो देखो ई की पावर माइनस से ऊपर आ जाएगी तो ई की पावर प्लस का एक्स बन जाएगा और माइनस का वन बन जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको अपन समय का नंबर दे सकते हैं, कौन सा 6 दिया था, इसको 7 दे देते हैं, समय का नंबर 7 दे देते हैं इसको। तो समय का नंबर जो 7 है हमारा, वो हमारे पास निकाय की क्या कहलाती है, माध्य ऊर्जा कहलाती है, निकाय क्या कहलाती है, माध्य ऊर्जा। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 7, समीकरण
कारण सात निक हमारे पास से द्वि परमाणु अणु की क्या कहलाती है, माध्य ऊर्जा कहलाती है। अब देखो यार यहाँ पे इस सवाल के अंतर्गत ये जो तो डेरिवेशन कर रहे हैं ना अपन को 1.5 घंटे तो हो गए डेरिवेशन करते करते, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को कर रहे हैं यानी कि ये इतना बड़ा डेरिवेशन है अपने पास, इसमें अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बताओ आप खुद भी देख सकते हो कि यहाँ पे अपन से द्वि परमाणु अणु के लिए चिरसम्मत भौतिकी का पूछ सकता है, फिर क्वांटम भौतिकी में वहाँ पे एन बराबर एन नोट अपन ने प्रूव किया तो वहाँ तक पहुँच सकता है, फिर यहाँ पे अपन यहाँ से अपन पूछ सकता है कि सिद्ध करो द्वि परमाणु अणु के लिए माध्य ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है। और अभी तक अपन लास्ट रिजल्ट पे पहुंचे नहीं है अभी तक, जो हमारे पास सी वी बराबर हमें निकालना है, सी वी बराबर हमें जो धारिता निकालनी है हमें, वो तो अपन ने उष्मा धारिता वहाँ तक तो अपन पहुँचे नहीं अभी तक। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे समीकरण सात माध्य ऊर्जा कहलाती है हमारी, ठीक है। उसके बाद में देखो एक कॉन्सेप्ट अपन यूज लेते हैं, आपको पता है आपको भी पता है कि हमारे पास जो ऊष्मा गतिकी का जो नियम है, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रथम नियम है ऊष्मा गतिकी का नियम, ऊष्मा गतिकी के नियम से, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से इसको पढ़ेंगे अपन फर्स्ट चैप्टर में। नियम से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ध्यान से देखो आप, तो मैंने आपको बताया भी था पहले भी अपन ने यूज लिया है इसको, क्या होता है डी क्यू बराबर में यू प्लस में पी डॉट डी वी। अब डी क्यू क्या है यहाँ पे, ऊर्जा है, ठीक है। डी क्यू क्या है हमारे पास, ऊर्जा है, तो अपन इसको डी के रूप में भी लिख सकते हैं, है कि नहीं है हमारे पास। यानी कि अपने जो समीकरण नंबर सात है ना हमारे पास माध्य ऊर्जा अपन ने निकाली है, बस यहाँ पे इसको अपन चेंज करेंगे, देखना थोड़ा ध्यान से देखना बस। यहाँ पे देखो डीई बराबर हमने हमारे पास क्या आ गया, देखो ऊष्मा गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि हमारे पास जो टोटल ऊर्जा का जो वैल्यू होती है ना, टोटल ऊर्जा उसका जो मान होता है आंतरिक ऊर्जा के प्लस में हमारे पास पी क्या दाब है, दाब में दाब के समान दाब के बराबर होता है, ठीक है। ये कहती है हमारी ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहता है। लेकिन यदि यहाँ पे अपन क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे यदि अपन यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे पी डॉट यहाँ पे डी वी है, तो डी क्या है हमारे पास, डी है हमारे पास आयतन, सॉरी वी है हमारे पास आयतन है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे यदि अपन यहाँ पे अपने पास जो प्रेशर है हमारे पास पी यानी क्या होता है दाब, यानी कि पी यदि अपन कॉन्स्टेंट रख देते हैं, कॉन्स्टेंट रख देते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो पी है हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास पी डॉट डी वी है, तो यहाँ पे ध्यान देखो प्रेशर को अपन कांस्टेंट रख देते हैं, और यहाँ पे अपन जब बात करते हैं, देखो ध्यान से देखना इसको समझना थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट शानदार है इसको समझो ध्यान से। तो यहाँ पे पी हमारे पास प्रेशर है और पी डॉट डी वी है, तो यहाँ पे देखो आयतन इसके साथ में है, तो यदि आयतन भी वी का मान भी अपन कॉन्स्टेंट कर दें, थोड़ा सा शानदार तरीके समझो, यदि हम पी और वी का मान कांस्टेंट रख दें, तो आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है, ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ पे यदि अपन यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, तो हमारे पास डी क्यू का जो मान आएगा, यहाँ पहले डेरिवेटिव हो रहा है, तो डी क्यू का जो मान आएगा यदि अपन यहाँ पे यू सॉरी वी वी आयतन को और पी को कांस्टेंट रख दें, तो यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास इसका मान हो जाएगा जीरो, तो यू हमारे पास बराबर में आ जाएगा। अर्थात हम जानते हैं कि किसी भी निकाय का यदि अपन आयतन नियत कर दें तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है यू क्या है हमारे पास, आंतरिक ऊर्जा, मैंने आपको समझाया था यू हमारे पास आंतरिक ऊर्जा होती है, तो हमारे पास कुल ऊर्जा का जो मान है वो आंतरिक ऊर्जा के बराबर में आ जाता है। अब देखो यहाँ पे अपन ये इसको क्यों समझ रहे हैं, देखो ध्यान समझना, हमने यहाँ पे माध्य ऊर्जा का यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है, ये रहा अपने पास एच बार ओमेगा नॉट, ये है हमारे पास 1/2 वन अपॉन में ई एक्स माइनस का वन, ये अपन ने निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करो आप, तो हमने यहाँ पे ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या कर दिया, यदि किसी निकाय के लिए अपन आयतन का मान निश्चित कर देते हैं वी का मान, तो यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डी क्यू बराबर में आता है यू। अर्थात हमारे पास क्या होता है, किसी भी निकाय के लिए ऊर्जा का जो मान होता है उसकी आंतरिक ऊर्जा के बराबर में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे यदि अपन देखो जब ये कंडीशन अपन ने ले ली, लेकिन जब अपन बात करते हैं निकाय में हमारे पास जो हमारा सिस्टम है उस निकाय में यदि हमारे पास एन अणु उपस्थित हैं, एन अणु उपस्थित हैं हमारे पास, तो एन अणु उपस्थित हैं तब हमारे पास जो औसत ऊर्जा होगी, माध्य ऊर्जा जो फॉर्मूला होता है, माध्य ऊर्जा का जो सूत्र होता है, तो माध्य ऊर्जा का सूत्र
क्या होगा, यहाँ पे अपन माध्य ऊर्जा जो अपन ने निकाली है ई, उसका जो फॉर्मूला है हम यू के रूप में निकाल सकते हैं। क्यों, हमने यहाँ पे कह दिया है किसी भी निकाय के लिए यदि आयतन उसका निश्चित होता है तो हमारे पास उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वो हमारे पास यू के बराबर होती है। तो हमने क्या कह दिया, यदि हमारे पास निकाय में एन अनुपस्थित हैं तो उसकी माध्य ऊर्जा का सूत्र अपन यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा के रूप में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे यू बराबर और एन अपन निकाय की बात कर रहे हैं तो एन मल्टीप्लाई में आ जाएगा और हमारे पास माध्य ऊर्जा का जो फॉर्मूला है ये हमारे पास नीचे के नीचे ऐसे कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ जाएगा क्या, यहाँ पे देखो एच बार यहाँ पे लिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उधर लिख देंगे। तो 1/2 + 1/e की पावर में x-1 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा एच बार ओमेगा नॉट, किसी प्रकार लिख दो। यानी कि आप यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आंतरिक ऊर्जा के रूप में, आंतरिक ऊर्जा के रूप में यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूले को लिखा है। और कौन से कॉन्सेप्ट से, एक ये कॉन्सेप्ट को समझो, यहाँ पे मैंने क्या कहा आपसे कि ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से हमने क्या करा, यदि किसी निकाय के लिए, किसी सिस्टम के लिए, ठीक है, अपन ने क्या करा, आयतन का यहाँ पे वी का मान अगर ने कॉन्स्टेंट रख दिया, ठीक है, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो अपन डी क्यू बराबर यू हो जाएगा। किसी भी निकाय के लिए उसकी जो कुल ऊर्जा हमारे पास होगी वो उसकी आंतरिक ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे यू क्या है, यहाँ पे यू है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, ये मैंने समझाया था आपको पहले, ठीक है। तो यहाँ पे यू बराबर आंतरिक ऊर्जा होती है और यहाँ पे जब निकाय में एन अनुपस्थित है तो हमारे पास माध्य ऊर्जा का जो सूत्र है वो यू बराबर हमारे पास एन मल्टीप्लाई में हमारे पास जो वैल्यू है ये, ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर दे थोड़ा सा, यहाँ पे जो वैल्यू अपन को ऊपर दिखी समीकरण नंबर 7 से, तो यह आप देख सकते हो एच बार ओमेगा नोट हमारे पास क्या है, 1/2 1/e की पावर x-1, यहाँ पे ये वैल्यू अपने पास आ चुकी है। तो यू का मान हमारे पास ये आ गया। और यहाँ पे देखो अपन इसको आगे करते हैं, देखो ध्यान से थोड़ा सा, तो देखो हमारे पास माध्य ऊर्जा का जो सूत्र है हमारे पास जो यू के रूप में आया था वो क्या आया था, यू इज इक्वल टू एन एच बार ओमेगा नॉट 1/2 + 1/e की पावर x-1 आया है। और आपको पता है हमने जो एक्स की वैल्यू मानी थी लेट करके चला था हमने एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में क्या था, के था, के नहीं के टी था, एच अपॉन में एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के टी मान के चले थे अपन एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई, तो यू बराबर हमारे पास एन एच बार ओमेगा नॉट 1/2 + 1/e की पावर में एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के टी माइनस का 1 हमारे पास आ चुका, इसको समीकरण नंबर 8 नाम अपन दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखो अपन पहुंच चुके हैं बस इसके एंड तक, और देखो यहाँ पे रुको एक बार, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी थोड़ी सिस्टम में थोड़ी खराबी हो चुकी थी, तो यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे हम इसको समझ रहे हैं, इतनी देर से 1.5 घंटा लगा दिया हमने, 1.5 या 2 घंटे होने वाले अपने को समझते हुए इसको, लेकिन देखो अगर इसको आपने ध्यान से समझ लिया तो इसके बेनिफिट देखो, इसका बेनिफिट क्या है कि आप यहाँ पे इस चैप्टर का लगभग लगभग 50% पार्ट कवर कर लोगे। क्यों, क्योंकि ये अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद में जस्ट इसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, द्वि परमाणु अणु में ऊष्मा धारिता पढ़ा है, उसके बाद में हमारे पास ठोस अणुओं में ऊष्मा धारिता पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बिल्कुल सेम कैलकुलेशन चलेगी, बिल्कुल डिट्टो, तो वहाँ पे आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन, यहाँ पे ये फॉर्मूला अपन ने निकाल दिया, यू बराबर हमारे पास क्या आ गया, एन एच बार ओमेगा नॉट 1/2, ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 8 से। अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि आपने और हमने दोनों ने बताया है, पढ़ा भी है, देखो क्या पढ़ा है, हमारे पास जो ऊष्मा धारिता का फॉर्मूला होता है जब आयतन निश्चित होता है, क्या फॉर्मूला होता है हमने निकाला था आपको याद हो तो डी यू अपॉन में डी टी, और यहाँ पे यदि वी कॉन्स्टेंट हो, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था याद हो तो, आपको मैंने आपको बताया भी था, वहाँ पे अपने दो फॉर्मूले पढ़े थे ऊष्मा धारिता के, एक तो पढ़ा था सी पी दाब निश्चित हो, मतलब दाब आय दाब क्या हो हमारे पास नियत हो, और एक हमारे पास सी वी आयतन नियत हो। तो यहाँ पे अपन ने ऊष्मा गति के प्रथम नियम से यहाँ पे हमने डी क्यू को डी यू में चेंज कर दिया, और यहाँ पे हमने कह दिया था कि हमारे पास जो नियत आयतन है, नियत हमारे पास आयतन होगा तो ऊष्मा धारिता सी वी का जो मान होगा वो डी यू अपॉन में डी टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 8 से वैल्यू को रख दो, यहाँ पे देखो यू की वैल्यू है उसको समीकरण 8 से यहाँ पे रख दो, तो समीकरण 8 से मान रखने पर
पर देखो अब आ गया हो, देखो अब आ गया है लास्ट में सी वी निकालना था, बस यहाँ पे यू की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और हमारे पास सी वी का मान आ गया, अर्थात द्विपरमाणु अणु के लिए ऊष्मा धारिता का मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। ठीक है, बस अब ज़्यादा दूर नहीं है हमारी मंजिल, मंजिल हमारे निकट है, बस यहाँ पे वैल्यू रखनी है और हमें आंसर लेके आना है। देखो सी वी इज इक्वल टू में हमारे पास, देखो डी यू का मान रखो, हमारे पास देखो डी यू का मान कितना है, ये एन एच बार में हमारे पास, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो एन एच बार ओमेगा नोट हमारे पास है, एन एच बार ओमेगा नोट है हमारे पास, इसको तो अपन को बाहर ही रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक तरीके से देखा जाए तो ये कांस्टेंट की बात यहाँ पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे ये निर्भर नहीं कर रहे हैं किसके ऊपर, तापमान के ऊपर, लेकिन केवल ये वाली जो वैल्यू है अंदर, देखो ये के टी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसको अपन अंदर रखेंगे, वो तो एक बार देख लेते हैं बस। यहाँ पे देखो एन एच बार ओमेगा नोट है, इसको बाहर रखेंगे और डेल अपॉन में डेल टी है और इसको अपन अंदर रख देंगे, जो हमारे पास वैल्यू है 1/2 प्लस में 1/ में ई की पावर में एच बार ओमेगा नोट अपॉन में के टी माइनस का 1। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव कर देते हैं टेम्परेचर के सापेक्ष में, देखो एन एच बार ओमेगा नोट है, ये तो बाहर है हमारे पास, ऐसे कैसे आ जाएगा? ठीक है, ये तो बाहर है, ये तो हमारे पास कांस्टेंट की भांति काम कर रहा है, तो बाहर आ जाएगा। अब सिंपल डेरिवेटिव करते हैं भाई साहब, डेरिवेटिव है इसका बहुत ही शानदार है, अल्टीमेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इसको बाहर लिख देते ना, इसको अपन वहाँ करेंगे डेरिवेटिव ऊपर करेंगे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऐसे, इसको बाहर लिख दिया ना अपन ने, तो डेल अपन का डेल टी और यहाँ पे 1/2 प्लस में 1/ में ई की पावर में एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के टी माइनस का 1, हमारे पास ये आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको अपन ऊपर सोल्व करेंगे शानदार तरीके से, इसे डेरिवेटिव को अल्टीमेट मजा आएगा डेरिवेटिव को सोल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी वी इज इक्वल टू एन एच बार ओमेगा नॉट और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास 1/2 डेरिवेटिव है हमारे पास डेल अपॉन में डेल टी। ठीक है, और 1/2 प्लस में 1/ में ई की पावर में एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के टी और माइनस का 1 है, इसका करना है डेरिवेटिव टेम्परेचर के सापेक्ष में। तो ध्यान से देखना एन एच बार ओमेगा नॉट हमारे पास ऐसे कैसे, 1/2 का तो जाएगा 0। ठीक है, प्लस में बात करते हैं, फिर हमारे पास ये बच गया, अब यहाँ पे इसका कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये 1/ ये एक्स की भांति काम करा था, आपको पता है ये 1/ की भांति काम करेगा, तो 1/x का क्या होता है, 1/x का होता है माइनस का 1/ में एक्स स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है यार, देखो एक एक कैलकुलेशन से बता रहा हूँ मैं, तो ये 1/x का क्या हो जाएगा, 1/x का होगा माइनस का 1/x स्क्वायर, तो माइनस को मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे कर दिया। अब बात करते हैं हमारे पास जो ये है इसका भी तो होगा डेरिवेटिव, तो देखो e की पावर में x का, तो e की पावर में x हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास जो ये e की पावर में ये है इसका भी तो होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में देखो एच ओमेगा नॉट एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के, क्योंकि हमारे पास इसमें टी का फंक्शन मौजूद है, तो टी का टी के सापेक्ष में अवकलन जरूर होगा, तो यहाँ पे देखो ई की पावर में एक्स का, तो ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में इसका भी तो होगा एच बार ओमेगा नॉट अपॉन के, कॉन्स्टेंट है और हमारे पास देखो 1/ में टी है, तो 1/ टी का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/ में टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और हमारे पास जो ये 0 ये 1 है, इसका तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 0 हो चुका है। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव था, काफ़ी अच्छा डेरिवेटिव था, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से तो। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको बस, सी वी बराबर में देखो एन एच बार ओमेगा नॉट, ठीक है ये 0 हो गया, और यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये रहा माइनस, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे, और ऊपर देखो एक बार आप, तो क्या क्या वैल्यू बचेगी अपने पास, देखो हमारे पास देखो एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में क्या है के टी स्क्वायर है, देखो ये रहा के टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में देखो ई की पावर में क्या है हमारे पास एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के टी है। ठीक है, और अपॉन में बात करते हैं हमारे पास देखो ये रहा ई की पावर में माइनस का एच बार माइनस नहीं प्लस में है ओमेगा नॉट अपॉन में के टी माइनस का 1 का हमारे पास स्क्वायर है, और यहाँ पे अपॉन में ये वैल्यू हमारे पास ऐसे कैसे रह गई। ठीक है, आप देखो हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास देखो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास देखा जाए तो ये जो एच बार है हमारे पास, इसे
यहाँ पे देखो आप देख सकते हो हमारे पास कि जो एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के है, इसकी वैल्यू अपन लिख सकते हैं थीटा वी के रूप में। लिखो एक बार, लिख दो, देखो क्या क्या होता है। सी पी बराबर एन एच बार, ठीक है, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट, एच बार ओमेगा नॉट यहाँ पे बात करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की यहाँ पे कोशिश करोगे आप तो यहाँ पे समझो एक बार, क्या करो इसको समझो एक बार, थोड़ा सा ध्यान से समझो क्या हो जाएगा। देखो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के टी स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। देखो हो गए तो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एच स्क्वायर भी हो जाएगा, ओमेगा नॉट भी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या है हमारे पास टी स्क्वायर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि अपन थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहाँ 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 अपन क्या करें, के से मल्टीप्लाई करें और के से डिवाइड कर दें, समझो। देखो के से तो करा गुणा, के से गुणा वह के से भाग देने पर, तो यहाँ पे हमने क्या करा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे के से मल्टीप्लाई करा, के से भाग करा, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये देखो इससे मल्टीप्लाई करा अपन ने, तो देखो एच स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर और अपन में टी स्क्वायर तो पहले से है। अब यहाँ पे अपॉन में के है अपॉन में, ठीक है, तो अपॉन में के है, अपन ने क्या करा, देखो के से मल्टीप्लाई कर दिया और के से कर दिया डिवाइड, तो अपॉन में क्या बन जाएगा, देखो के टी स्क्वायर है ना, तो के और टी और इस पूरे का स्क्वायर बन जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ आप। तो क्या हो जाएगा, देखो सी भी बराबर हमारे पास के है एन है, के है और एन है हमारे पास, ये एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के टी का स्क्वायर है। कैसे बना, यहाँ पे हमने क्या करा, के से मल्टीप्लाई कर दिया, के से डिवाइड कर दिया, तो के से मल्टीप्लाई के से डिवाइड, तो यहाँ पे देखो एच स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो देखो एच स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, लेकिन अपॉन में के था भाई, देखो के है इसका अपन होल स्क्वायर कर नहीं सकते, लेकिन अपन ने क्या करा, के को मल्टीप्लाई के को डिवाइड किया, तो यहाँ पे के टी स्क्वायर बन चुका है, आराम से देख सकते हो आप। और मल्टीप्लाई में देखो हमारे पास से e की पावर में एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में क्या है के टी है, और यहाँ पे अपॉन में क्या है हमारे पास, अपॉन में है e की पावर में एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के टी माइनस का 1 है, ठीक है, और अपॉन में स्क्वायर भी था इसका, तो स्क्वायर भी है हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमने कह दिया था यहाँ पर एच बार ओमेगा नॉट अपॉन के, इसको थीटा भी अपन मान सकते हैं, और यहाँ पे देखो मानेंगे इसको थीटा भी मानेंगे, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपको पता हो तो, एन के बराबर आर, एन के बराबर एन आर पढ़ा था आपको पढ़ा हो तो, इस प्रकार पढ़ा था आपने। देखो यहाँ पे पढ़ा था आपने एन के बराबर एन आर, मैंने बताया था एन यहाँ पे अवोगाद्रो संख्या, के बोल्ट्जमान नियतांक, एन यहाँ पे मोल और आर यहाँ पे गैस नियतांक होता है। तो यहाँ पे अगर अपन पर मोल की बात करें, पर मोल का मतलब एन बराबर एक की बात करें, तो एन के बराबर आर हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एन के आ रहा है ना, ये रहा एन के, इसकी जगह रखेंगे अपन आर, आ जाओ भाई आ गया, बस ये स्टेप है इसका, लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है ये, लास्ट स्टेप। तो देखो सी वी बराबर हमारे पास देखो क्या आ गया, आर, और यहाँ पे एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के टी, एच बार ओमेगा नॉट अपॉन में के, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे थीटा वी अपॉन में टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई में ई की पावर में, देखो थीटा वी अपॉन में टी, अपॉन में बात करते हैं ई की पावर में थीटा वी अपॉन में, बस थीटा वी है यहाँ तो, और अपॉन टी भी तो होगा यहाँ पे, और यहाँ पे टी भी तो है यार, ठीक है, तो यहाँ पे थीटा वी अपॉन टी माइनस का 1 का स्क्वायर। तगड़ा था ना भी, कितना शानदार था ये डेरिवेशन, मैंने भाई साहब डेरिवेशन किए हैं लेकिन भाई साहब इसके नीचे नीचे किए हैं, डेरिवेशन तो किए हैं लेकिन सारे इसके नीचे नीचे करें भाई साहब, कैलकुलेशन में भी, कैसे भी देख लो आप, कैसे भी देख लो, कैसे भी आ जाओ। अब देखो ये हमारा जो स्टैटिक्स वाला पार्ट पड़ता है ना, ये डिफिकल्ट पड़ता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, क्यों पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इसमें कैलकुलेशन है ना वो थोड़ी हार्ड पड़ती है, डिफिकल्ट पड़ती है, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से तो जो कैलकुलेशन है वो डिफिकल्ट नहीं है, वो थोड़ी बड़ी है। यहाँ पे कैलकुलेशन में बस कुछ भी नहीं था, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन है इसलिए हमें लगता है कि हमारे पास ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ती है। अब यहाँ पे जो समीकरण नंबर, ये क्या आया है समीकरण नंबर, इसको 9 नाम दे दो। तो समीकरण जो 9 है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास समीकरण जो 9 है वो हमारे पास द्वि परमाणु अणु के लिए ऊष्मा धारिता का मान को व्यक्त करती है। लेकिन भाई रुको, अपन ये काम कर दिया ना इतना,
तो यहाँ पे दो केस और बनते हैं जो कि एग्जाम में कम से भी कम 5 से 6 बार पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो दोनों केस। यहाँ पे समीकरण नंबर 9 क्या है, समीकरण 9 क्या हो गया, समीकरण नंबर 9 हमारे पास क्या है, द्वि परमाणु अणु के लिए, द्वि परमाणु के अणु के लिए, ऊष्मा धारिता हीट कैपेसिटी को व्यक्त करता है, ऊष्मा धारिता को व्यक्त करता है। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऊष्मा धारिता को व्यक्त करता है। अब देखो 1 घंटे 49 मिनट की तो हो चुकी है, अब देखो 2 घंटे की कर देते हैं इस क्लास को आज को। तो यहाँ पे फिर अपन पढ़ लेंगे, हमारे पास जो होगा इसमें दो केस और पढ़ेंगे इसी फॉर्मूले को लेकर, इसी फॉर्मूले को याद कर लो, रट लो इस फॉर्मूले को, रट लो, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, रट लो इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इस फॉर्मूले के ऊपर दो केस पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो दो केस क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान सुनना। हमने पढ़ा था तत्सम्बद्ध में, क्लासिकल फिजिक्स में हमने देखा कि हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो आया था हमारे पास कि उच्च तापमान पर हमारे पास जो धारिता का मान है, सीवी का जो मान है, वो बहुत तगड़ी सीखने की चीज़ है, इंटरेस्टेड चीज़ है। आप अगर किसी से सवाल पूछते हो ना तो ये सवाल पूछने में आपको बहुत ही मजा आएगा, कॉन्सेप्ट है इसमें। हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स में हमने क्या कहा था कि हमारे पास ऊष्मा धारिता उच्च तापमान पर हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट आती है। तो चेक करते हैं इस सूत्र के द्वारा, चेक करते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा कि हमारे पास क्वांटम भौतिकी के द्वारा तत्सम्बद्ध भौतिकी का रिजल्ट सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे अपन दो केस देखेंगे, उच्च तापमान पर और निम्न तापमान पर। तो यहाँ पे बात करेंगे अपन टेम्परेचर का मान, जब हाई रखेंगे तो हमारे पास सीवी यदि कांस्टेंट आ गई तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो क्लासिकल भौतिकी है वो सही है, और फिर अपन निम्न ताप पर भी देखेंगे। लेकिन आप याद करो तत्सम्बद्ध भौतिकी में यहाँ पे अपन निम्न तापमान पर हमने वैल्यू को फाइंड नहीं किया था, इसलिए वो असफल हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग केस है इसके ऊपर, इसको रख लो, क्या है हमारे पास, आर थीटा वी अपॉन टी का स्क्वायर डॉट ई की पावर में थीटा वी अपॉन टी अपॉन में ई की पावर थीटा वी अपॉन टी माइनस वन का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, यहाँ पे इस फॉर्मूले को लेकर दो केस अपन पढ़ने वाले हैं, शानदार मजा आएगा। मतलब अपना जो रिजल्ट आया है, अपने जो इतनी मेहनत करी है, उसका फल अब निकलेगा, क्योंकि वो दोनों केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अब देखो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सी वी बराबर आर थीटा वी अपॉन में टी का स्क्वायर डॉट ई की पावर में थीटा वी अपॉन में टी अपॉन में ई की पावर थीटा वी अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे शानदार मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा आपको। यहाँ पे देखो केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन, यहाँ पे आ जाओ भाई, लास्ट काम है अपना और शानदार अपनी जो मेहनत है उसका फल निकलेगा। आ जाओ भाई केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, यदि यदि हमारे पास टेम्परेचर का जो मान है वो हमारे पास क्या है, हाई है। हमारे पास उच्च ताप की बात कर रहे हैं, यदि हमारे पास टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर है उच्च तापमान है, उच्च ताप, ठीक है भाई साहब, मान लिया। यहाँ पे देखो समीकरण नंबर, यहाँ पे देखो समीकरण नंबर कौन सा था, ये 9 था शायद ना, तो समीकरण नंबर 2 9 को देख लो आप। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, तो समीकरण यहाँ पे टी का मान बहुत ज़्यादा है, तो टी का मान हमारे पास बहुत ही ज़्यादा है किससे, थीटा वी से। देख लो आप यहाँ पे टेम्परेचर का मान बहुत ज़्यादा थीटा वी से, तो देखो इस टी को नीचे ले आओ तो 1 बहुत ही बड़ा हो जाएगा थीटा वी अपॉन से टी से। तो समझो आप यहाँ पे ई की पावर में वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे देखो ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1 + x + x² / 2 डॉट डॉट आगे जो भी है। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है हमारे पास कि 1 का मान अधिक है थीटा वी अपॉन में टी से, तो यहाँ पे ई की पावर एक्स की जो उच्चतम घाते हैं हमारे पास x² x³, इनको अपन नगण्य मानकर छोड़ देंगे। देखो हमारे पास देखो ई की पावर में क्या है, थीटा वी अपॉन में टी है, इसको आगे खोलेंगे अपन, देखो 1 + e की पावर में थीटा वी अपॉन में टी + e की पावर में थीटा वी अपॉन में टी का फिर यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, अरे यहाँ पे ये थोड़ी आएगा यार, ई की पावर में थीटा वी अपन इसका फॉर्मूला लगाते हैं, तो 1 + x, ठीक है, 1 + यहाँ पे x² यानी कि थीटा वी अपॉन टी का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 आता है, इस प्रकार आता है। यानी कि इसकी जो उच्चतम घातें हैं ये वाली, इनको अपन नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 का मान ज़्यादा है थीटा वी अपॉन में टी से, ठीक है, इसलिए छोड़ते हैं अपन। आइए भाई समीकरण नंबर 9 में मान रख दो भाई, समीकरण 9 से, समीकरण 9 में केवल आप देखो यहाँ पे अपने पास जो ई की पावर थीटा वी है ना, इसका जो मान है हमारे पास केवल ये रखेंगे, क्योंकि
क्योंकि उत्तम घातों को तो हमने नगण्य मानकर छोड़ दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। तो आइए भाई समझो इस चीज को। समीकरण 9 में मान रखने पर, 9 में मान रखने पर, तो समीकरण 9 में मान रखा अपने, रखने पर, तो समीकरण 9 में मान रखेंगे तो देखो आप ध्यान से क्या होता है इसमें। तो देखो सी वी बराबर हमारे पास ये है, तो सी वी इज इक्वल टू देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, और थीटा वी अपॉन में टी, तो थीटा वी अपॉन टी ऐसे कैसे आ जाएगा, थीटा वी अपॉन में टी ऐसे कैसे, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई में बात करते हैं, हमारे पास ई की पावर में जहाँ पे भी थीटा वी अपॉन टी है उसकी जगह रखना है अपन को 1 + थीटा वी अपॉन में टी, क्योंकि अपन कंडीशन ले रहे हैं टेम्परेचर का मान अधिक है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना जरूर से जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास 1 + में थीटा वी अपॉन में टी हमारे पास हो जाएगा। अपॉन में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1 + थीटा वी अपॉन में टी -1, तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से 1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं ये बात बताओ। फिर उसके बाद में हमारे पास देखो ये यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है, थीटा वी अपॉन टी का स्क्वायर है, तो ये देखो ये इससे आपस में ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया सी वी बराबर में आर मल्टीप्लाई में देखो 1 + में क्या गया हमारे पास, थीटा वी अपॉन में टी आ गया। अब देखो यदि हमारे पास देखो 1 का जो मान है वो बहुत ही ज़्यादा है किससे, थीटा वी अपॉन में टी से अपन ने देख लिया, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया सी वी बराबर में आर। अब देख लो आप उच्च तापमान पर हमने ये क्या देखा कि हमारे पास सी वी का जो मान आ गया आर आ गया, आर आपको पता ही क्या है, कांस्टेंट है, गैस नियतांक है, अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चिरसम्मत भौतिकी और क्वांटम भौतिकी दोनों का जो रिजल्ट है वो टेम्परेचर उच्च तापमान पर हमारे पास इक्वल आता है, यानी कि सी वी का जो मान है हमारे पास कॉन्स्टेंट आ गया है कि नहीं, बहुत बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत ही बड़ी चीज़ है सीखने के लिए। कैसे देखो साइंटिस्टों ने इतना दिमाग लगा लगा के ऐसे रिजल्ट निकाले हैं, देख लो आप, पहले क्लासिकल भौतिकी में जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने निकाला, फिर क्वांटम भौतिकी ने उसमें सुधार करते हुए भी ये रिजल्ट निकाला, और फिर आखिर में हमें पता चला कि उच्च तापमान के लिए हमारे पास सीवी का जो मान है वो कांस्टेंट ही आएगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं अपन केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड हमारे पास जो क्लासिकल फिजिक्स थी हमारे पास डिफाइंड नहीं कर पाई थी, इसलिए वहाँ पर फेल हो गई थी, ठीक है। इसलिए केस नंबर सेकंड की अपन बात करते हैं, यदि केस नंबर सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे टी का जो मान है हमारे पास वो कैसा है, न्यून ताप है, और न्यून ताप पर यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स समझा नहीं पाई थी, ठीक है, द्विपरमाणु अणु के लिए। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर का जो मान है हमारे पास वो छोटा है, बहुत ही कम होगा फिर हमारे पास किससे, थीटा वी से, तो यहाँ पे देखो 1 का जो मान आएगा वो बहुत ही छोटा हो जाएगा किससे, थीटा वी अपॉन में टी से। तो समीकरण 9 से मान रखने पर, तो देखो यहाँ पे सी वी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो आर मल्टीप्लाई में थीटा वी अपॉन में टी का स्क्वायर है, और जहाँ पे भी अपन बात करते हैं देखो हमारे पास देखो फिर ई की पावर में थीटा वी अपॉन में टी अपॉन में हमारे पास देखो ये 1 है ना, 1 इसको अपन नगण्य मानकर छोड़ देंगे, 1 को नगण्य मानकर छोड़ देंगे, क्यों, हमारे पास से वो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी किससे, ये थीटा वी अपॉन टी से, तो इसलिए अपन में क्या आ जाएगा, देखो अपॉन में आ जाएगा ई की पावर में थीटा वी अपॉन में टी का स्क्वायर, तो देखो ये एक बार कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, सी भी बराबर हमारे पास आएगी वैल्यू आर मल्टीप्लाई में थीटा भी अपॉन में टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई में की पावर में, देखो ई के पावर में इसको अपन ऊपर ले आएँ तो माइनस का थीटा भी अपॉन में टी आ जाएगा, हमारे पास आ गया रिजल्ट ये आखिरकार। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे न्यून ताप पर हमने ये देखा हमारे पास जो द्विपरमाणु कणों की ऊष्मा धारिता है, हीट कैपेसिटी सी वी का जो मान है हमारे पास न्यून ताप पर, निम्न ताप पर उष्मा धारिता चर घातांक के रूप में घटती है, देखो ई की पावर में है, तो ई की पावर में हमारे पास थीटा वी है अपॉन में टी है, अर्थात हमारे पास चर घातांक के रूप में उष्मा धारिता का मान घटता है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि सिद्ध करो, प्रूफ दैट द्विपरमाणु अणु के लिए सी वी का जो मान है हमारे पास वो चर घातांक के रूप में घटता है। आप बताओ अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आपको 4 नंबर में सवाल आता है, आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी शुरू से लेकर एंड तक की, और यहाँ पे ये रिजल्ट लाना पड़ेगा लास्ट में न्यून ताप के लिए बस। तो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन बनने के जो टाइप है बहुत ही ज़्यादा है, आप देख सकते हो 4 नंबर हमने पक्के कर लिए 2 घंटे के अंतर्गत है, लेकिन देखो 4 नंबर तो करी है, इसी के साथ साथ में हमने इसके साथ में 50% कोर्स कवर कर लिया,
अपन ने इस लेक्चर के माध्यम से। कैसे? क्योंकि ऊष्माधारिता का जो अगला टॉपिक है ठोस पदार्थों में ऊष्माधारिता, बिल्कुल कैलकुलेशन है। अगर आपने इस कैलकुलेशन को समझ ली तो ये मान लो वो कैलकुलेशन आप हवा में उड़ा दोगे। ऐसे ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है और आपको इस फॉर्मूले को याद जरूर कर लेना है। हमारे पास ऊष्माधारिता का जो मान आया है द्विपरमाणु कणों के लिए वो किस, ये क्वांटम भौतिकी की बात करेंगे अपन, क्वांटम भौतिकी का रिजल्ट है। अन्यथा वहाँ पे 7/2 आर आया था जिसमें भौतिकी में जो रिजल्ट आया था हमारे पास सीवी का मान, ठीक है। तो ये क्वांटम भौतिकी के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको याद रखना है, सीवी बराबर आर थीटा बी अपन टी स्क्वायर डॉट ई की पावर में थीटा बी अपन टी। और यहाँ पे देखो इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, वहाँ पर आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आराम से इसको पढ़ सकते हो। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी शानदार तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा 4 नंबर का सवाल है, 4 नंबर 100% यहाँ से बनते हैं हर साल। अब देख लो आप, ठीक है।